कोई ये ऑनलाइन कह रहा है सर आप जो बोल रहे हो मेरी तो कोई है ही नहीं, नालायक पढ़ना चुपचाप। ये ऑनलाइन कह रहा है सर आप जो बोल रहे हो मेरी तो कोई है ही नहीं, नालायक पढ़ना चुपचाप। कोई ये ऑनलाइन कह रहा है सर आप जो बोल रहे हो मेरी तो कोई है ही नहीं, नालायक पढ़ना चुपचाप। वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आर यू रेडी? अच्छा अच्छा, आज का सेशन हमारा मॉर्निंग में। पर क्या तुम मॉर्निंग में ऐसे ही रहते हो क्या? हाँ नहीं ना, ओके। तो यार संडे की याद आ रही है आपको नेक्स्ट? हाँ ना लाइक ओके। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी? स्टार्ट करें तो चलो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। आपको इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ रोज मॉर्निंग में ये स्टेटमेंट बोलना है। और क्या बोलना है आपको? एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने हैं। तो चलिए इस बार सारे सब्जेक्ट्स में 80 बार। चलो ओके, तो जो सब्जेक्ट्स वी स्मार्ट में लगाए उसमें तो डेफिनेटली 80 बार। चलिए तो नहीं बेटा, आप कहीं भी लगाओ, इम्पोर्टेंट है आप फर्स्ट एग्जाम में क्या एग्जाम क्लियर होने चाहिए। चलिए तो आ जाओ, यह हम सेक्शन 7 देख रहे हैं। सेक्शन 7 सप्लाई। ओके, एक काम करो, एक काम करो, आपकी जो चार्ट बुक है ना, चार्ट नोटबुक कॉपी, वो ओपन करो। ओके, जो चार्ट बुक की कॉपी है वो ओपन करो। ठीक है, और चार्ट बुक के कॉपी में यहां पे अब नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल दो, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चैप्टर टू कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई।
सप्लाई। देन अब ये जो है आपने यहां पे टाइटल देने के बाद ये चैप्टर के सारे चार्ट्स, तो एक नोट डाल दो नीचे, ऑल चार्ट्स आर गिवन इन रेगुलर मैट। आपके रेगुलर मैट में सारे चार्ट आ चुके हैं। यहां सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे, यहां से क्या करेंगे हम प्रैक्टिस करेंगे। ये समझ में आया क्या? तो चलिए यहां पे, यानी ये फेयर चार्ट नहीं है, फेयर चार्ट सारे किसमें ले रहे हम? रेगुलर मैट में। डिड यू अंडरस्टैंड? तो एक फ्लो बनाओ और हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है यहां पे। ओके, चार्ट बुक में सबसे पहले लिखो सेक्शन 9, 9-1 चार्जिंग सेक्शन। चलो मेरे साथ फटाफट कनेक्ट हो जाओ, मैं आपको सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं। चार्जिंग सेक्शन, ओके, डू इट फास्ट। ओके, वर्टिकल पे जब तक मैं लास्ट बार कह रहा हूं, जब तक मैं हॉरिजेंटल ना कहूं, ये फेयर चार्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। ओके, तो ये प्रैक्टिस चार्ट बस इतने लिख दो। फेयर चार्ट तो हम बुक में बना ही रहे, ठीक है? तो और सिर्फ ये चैप्टर के ही हम बुक में लेंगे रेगुलर मैट के, बाकी आने वाले सारे चैप्टर्स के हम चार्ट बुक में कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर मैंने इसलिए बुक में लिया है क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ वहीं के वहीं चार्ट होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इज इट क्लियर? तो क्योंकि एक बार आपको सप्लाई का लिंक लग गया जीएसटी में, एक बार आपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रीमलाइन कर लिया, उसको टाइम लगेगा, नो डाउट। कुछ बच्चा ये बोल रहा है कि सर जीएसटी अच्छे से तो आ रहा है पर अभी भी एक्चुअली सप्लाई आने क्या ग्रिप नहीं आ रही है, थोड़ा टाइम लेना, 7-8 लेक्चर्स है। ओके, आपकी 100% ग्रिप आ जाएगी। ओके, मेरे पे विश्वास रखो, पर मैं इतना ही बोलूँगा कि मेरे साथ जो प्रैक्टिस करना है वो करो और जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ वो होमवर्क रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करो। तो चलिए चार्जिंग सेक्शन प्रैक्टिस चार्ट जो है यहाँ पे, तो ये बताओ तीन, पहले चलो ड्रॉ करो फटाफट, तीन इसमें डिवाइड होता है, पहला कौन सा बेटा? लेवी। दूसरा कौन सा? कलेक्शन। हाँ, दूसरा कलेक्शन। और तीसरा पर्सन लायबल टू क्या? टू पे टैक्स, पर्सन लायबल टू पे टैक्स। अब ये जो है लेवी फिर से तीन पार्ट में डिवाइड होती है। ओके, चलो बताओ कौन से तीन पार्ट में डिवाइड होती है लेवी? ओके, यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। यही प्रैक्टिस करवाना है मुझे, चार्ज, वैल्यू और क्या? रेट, ठीक है। कलेक्शन कौन से सेक्शन से होगा? चलो सिर्फ देखो सेक्शन लिख, 15 लिख दो वहां पे, सेक्शन 15 से, सॉरी, कलेक्शन जो है इन सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब, यहां सिर्फ लिख के रख दो TOS, टाइम ऑफ सप्लाई। TOS मतलब टाइम ऑफ सप्लाई, यह आगे कवर होगा, सिर्फ लिख के रख दो। अगर आपको फुल फॉर्म लिखना है तो लिख देना टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा मुझे बताओ, एक नॉर्मल पर्सन टैक्स देता है या टैक्सेबल पर्सन टैक्स देता है? टैक्सेबल पर्सन टैक्स देता है। अच्छा, कोई भी पर्सन टैक्सेबल कब होता है? कोई भी पर्सन टैक्सेबल कब होता है? टीपी कब होता है? टीपी तो यार शॉर्ट में बना लो, रजिस्टर्ड, अरे कुछ आया क्या? रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर, वेरी गुड, लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 या सेक्शन क्या? 24। ओके, ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे बेटा, ठीक है? रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर, एक बार मैं फिर से कह दूं, हम ये प्रैक्टिस कर रहे चार्ट का, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। जो लेट ज्वाइन करेंगे उनको जहां लिखना है लिख करो, ठीक है? मैं एक बार फिर से कर देता हूं कि ये हम चार्ट बुक में है, कॉपी बुक में है, ये चैप्टर के सारे मेन चार्ट्स रेगुलर मैट में बनेंगे, लेकिन हम डेली बेसिस पे इसको थोड़ा क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और वो प्रैक्टिस के लिए हमारी चार्ट बुक की जो कॉपी है उसमें हम बना रहे हैं। ये फाइनल चार्ट नहीं है, ये चार्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अरे ये सुनो, कौन सा चार्ट बना चुके हैं? सेक्शन नाइन का। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ सबको बता दूं, तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो ये एक तरह का स्क्रिबल कर रहा है, एक तरह का हम क्या? स्क्रिबल।
ठीक है, तो रजिस्टर्ड या लाइबल टू रजिस्टर्ड मतलब क्या हुआ? मतलब देखो अभी फ्लो कैसा होता है, फ्लो ऐसा होता है कि इंडिया में जो भी, अच्छा मुझे बताओ चार्ज किसके ऊपर है, फटाफट बोलो चार्ज किसके ऊपर है, इंटरस्टेट और दूसरा क्या बेटा, इंटरस्ट, इंटर या इंटरस्टेट, अच्छा इंटर और इंटरस्टेट क्या वर्ड है बेटा, क्या वर्ड है, सप्लाई, क्या वर्ड है, सप्लाई ऑफ क्या, ऑफ गुड्स और क्या, सर्विसेज, ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब देखो ये फ्लो थोड़ा समझ लेना, फ्लो ऐसा है कि यहां पे इंडिया में अगर किसी ने भी, सुनिएगा, इंडिया में अगर किसी ने भी इंटरस्टेट सप्लाई किया, ओके यहां पे बेटा क्लैरिटी है ना, कुछ मेरे को गड़बड़ दिख रहा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया में अगर किसी ने भी इंटरस्टेट सप्लाई किया या क्या किया बेटा, इंट्रास्टेट सप्लाई किया तो टैक्स आएगा, पर टैक्स कब देना पड़ेगा, जब वो टैक्सेबल पर्सन बनेगा, मतलब बताओ कब टैक्सेबल पर्सन बनेगा, जब थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा या उसने इंडिया में क्या ले लिया, रजिस्ट्रेशन, दैट्स ऑल, तो उसको यहां पे जीएसटी देना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ऐसे सिचुएशन में मतलब थोड़ा साइज कमी कर, साइज कमी कर, ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो सप्लाई वैल्यू जो है, लिख दो यहां पे सेक्शन 15, और रेट, तो रेट जो है हमारे अभी कौन कौन से प्रिस्क्राइब है, 5, 12, 18 और क्या बेटा, 28, पर मैक्स कितना हो सकता है, मैक्स 40, उससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा चलो, अब आपका लेवी किसके ऊपर आएगा बेटा, सप्लाई पे, ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, इसी को थोड़ा और स्क्रिबल करते हैं, सप्लाई, तो सप्लाई अगर आपको पता होगा तो सप्लाई आता है सेक्शन किस में बेटा, 7 में, तो यहां से जन्म हुआ, क्योंकि हमें यह समझना है, क्योंकि सप्लाई पे जीएसटी है, तो फिर व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, ये समझ में आया क्या? तो अगर सप्लाई की बात करें सेक्शन 7 में, तो चलो एक बार ये फॉर्मेटिंग करो मेरे साथ, सेक्शन 7 में दो पार्ट आएंगे, कौन से दो पार्ट आएंगे, सेक्शन 7(1) कुछ याद आया, और सेक्शन 7(2), ओके, ठीक है, सेक्शन 7(1) एंड 7(2) डन। अब सेक्शन 7(1) की बात करें यहां पे, तो एक मिनट, ये लिखो, सप्लाई इंक्लूड्स, आई रिपीट, क्या बेटा, सप्लाई इंक्लूड्स, और यहां पे क्या बेटा, सप्लाई एक्सक्लूड्स, चलो स्क्रिबल करो ये, सप्लाई एक्सक्लूड्स, अच्छा इंक्लूड में फिर से दो पार्ट, कौन से दो पार्ट, विथ कंसिडरेशन, क्यों समझ में आया क्या, विथ कंसिडरेशन, और सेकंड क्या बेटा, विदाउट कंसिडरेशन, विथ कंसिडरेशन एंड सेकंड विदाउट कंसिडरेशन, ये समझ में आया, तो विदाउट कंसिडरेशन विथ कंसिडरेशन में फिर से दो पार्ट, कौन से दो पार्ट, फिर से चलो बनाओ मेरे साथ, कौन सा, 7(1)A और 7(1)B और विदाउट कंसिडरेशन है 7(1)C, डन, ये फ्लो से कनेक्ट हुए आप, अरे यस और नो, चलो अब ये जो 7(1)A है और नेक्स्ट 7(1)B है, अब 7(1)A अगर हम ले तो यहां पे क्या वर्ड आएगा, लिखो फटाफट, ऑल, ऑल फॉर्म ऑफ क्या, सप्लाई ऑफ किसके, गुड्स एंड सर्विसेस, ओके, गुड्स और सर्विसेज के ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ओके चलो फ्लो में आ जाओ, तो यहां पे ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई अगर आप फोर पार्ट्स करते हो तो बताओ कौन से फॉर्म है, सच एज, सच एज क्या बेटा, सच एज क्या, सेल, ट्रांसफर, ये बस इतना ही लिखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपने लिखा हुआ है पूरा, बार्टर, दूसरा क्या, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, ओके, और क्या बेटा, डिस्पोजल, डिस्पोजल, अच्छा सेकंड है मेड और, अरे बोलो, मेड और अग्रीड टू बी मेड, थर्ड क्या है बेटा, फॉर कंसिडरेशन, फॉर
कंसिडरेशन, और लास्ट क्या है, इन द कोर्स, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ क्या बेटा, बिजनेस, बस। ओके, ऐसा स्क्रिबल करते जाओ और आगे मैजिक देखते जाओ। तो इस तरह से यहां पे हम सेक्शन 9 से कनेक्ट हुए, किस कौन से सेक्शन को, सेक्शन 7 को। नहीं, स्क्रिबल करना है, फेयर चार्ट आपके रेगुलर मैट में लिखा हुआ है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्क्रिबल कर रहे हैं यहां पे कि जो लिखा है उसको एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। डन, चलो यहां तक सबके समझ में आया जो ऑनलाइन कनेक्टेड है? ये सर नो? चलो यहां पे अब हम एक डेफिनेशन देख रहे थे, कौन सी डेफिनेशन देख रहे थे बोलो, किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज। तो इसको साइड में ले लो, यहां पे प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस चार्ट ही है, स्क्रिबल ही कर रहे हैं हमसे। तो ओके, इधर आएगा गुड्स, आई रिपीट, इधर गुड्स आएगा और इधर क्या आएगा, सर्विस। अच्छा, गुड्स मीन्स, अच्छा व्हाट डू मीन बाय गुड्स, वेरी गुड। ओके, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। फास्ट में ऐसा लिखो कि अपनी हैंडराइटिंग खुद को भी नहीं समझनी चाहिए, समझ में आया, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारे चार्ट्स बनाए हुए। ओके, और सर्विस मतलब, सर्विस मतलब क्या, एनीथिंग। ओके, सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स छोड़ के बाकी कोई भी किसी भी चीज का पैसा मिला, एक वर्ड ऐसा, गुड्स छोड़ के बाकी किसी भी चीज का पैसा मिला तो वो क्या मानी जाएगी, सर्विस। तो यहां पे कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है, सर लेकिन सर्विस ऐसी थोड़ी होती है, सर्विस में मेहनत करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ओके सर्व करना पड़ता है। वो बेटा तुम्हारा कॉमन सेंस वाला सर्विस तुम्हारे पास रखो, हम किसका डेफिनेशन देख रहे हैं, जीएसटी का, और जीएसटी कहता है कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, आपको किसी भी बात का इन द कोर्स ऑफ बिजनेस पैसा मिला वो सर्विस माना जाएगा, एक्सेप्ट गुड्स। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में एनीथिंग अदर देन, अच्छा इन दोनों में से क्या एक्सक्लूड होता है बोलो, दोनों में से क्या एक्सक्लूड होता है, मनी और क्या, सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज। और क्या इंक्लूड होता है इन दोनों में स्पेशली, तो यहां पे इंक्लूड होता है एक्शनेबल क्लेम्स, इंक्लूड होता है एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम, और दूसरा क्या बेटा, ग्रोइंग क्रॉप्स एक्सेट्रा। और यहां पे यहां ये वाला पार्ट अभी मैं समझाऊंगा, और वो है सेपरेट कंसिडरेशन, सेपरेट कंसिडरेशन, यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी एंड नेक्स्ट बेटा, ओके, टू फैसिलिटेट और अरेंज ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। डन। ये फ्लो समझ में आया? ऐसा ये चैप्टर में हम बहुत बार ये प्रैक्टिस करेंगे, अरे है ना, यानी सेम चार्ट रिपीट होगा, फिर कभी मैं आपको रिपीट करने लगा होगा, पूरा फ्लो कनेक्ट करो होगा, इज इट क्लियर? तो अभी हम कौन से वर्ड पे है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब आ जाओ रेगुलर मैट में, हमने यहां पे प्रैक्टिस कर ली, अब आ जाओ रेगुलर मैट में। और आ जाओ डेफिनेशन ऑफ गुड्स पे, डेफिनेशन ऑफ गुड्स पे। हाँ, कौन से पेज पर थे हम, अरे भाई भाई साहब बोलो जल्दी फटाफट, कौन से पेज पर थे, हाँ 50, आई थिंक 50 के आसपास देख लेना,
ये चार्ट कल हमने बनाया था। चलो अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, अब आप कनेक्ट हो चुके हो, अब कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान देना। ओके, यहाँ पे मैं आपको इस पे कि एक्सक्लूड्स मनी एंड एक्सक्लूड क्या सिक्योरिटीज। ओके, एक्सक्लूड मनी एंड एक्सक्लूड सिक्योरिटीज। अब मैं थोड़ा आपको ये कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, समझ लो। ये जो है ये मनी है, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। अरे है ना, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके, अगर हम गुड्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं कि एवरी काइंड ऑफ क्या ना, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर तो ये भी गुड्स हुआ क्योंकि ये भी मूवेबल है। ओके, और इसमें प्रॉपर्टी वर्थ है। अब प्रॉपर्टी वर्थ है तो गड़बड़ क्या होगा कि अगर ये जो मनी है, ओके मैं किसी को दूंगा, एग्जाम्पल ले लो, ओके तो यहां पर अगर ये मनी मैं किसी को दूंगा तो ये भी तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। अरे आया ना, फिर किसी को पैसा देना भी जीएसटी। मन नहीं मानेगा, पर बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जहां मन नहीं मानेगा, तो ये तो जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई साहब, ओके ये जो मनी है अगर आप किसी को पैसा, जस्ट पैसा दोगे, आई रिपीट जस्ट क्या पैसा दोगे, तो वो गुड्स या सर्विस नहीं माना जाएगा, वो गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आएगा। दैट्स ऑल, समझ में आया क्या? तो किसी पैसा बैंक में डिपॉजिट करना, ट्रांजेक्शन इन मनी, जो प्योरली मनी के ट्रांजेक्शन है। ओके, पैसा किसी को लोन पे देना, ओके तुमने पैसा किसी को जस्ट लोन पे दिया, ये प्योरली ट्रांजेक्शन इन मनी है। तुमने पैसा इन्वेस्ट किया, प्योरली ट्रांजेक्शन इन मनी है। किसी को पैसा ट्रांसफर किया, प्योरली ट्रांजेक्शन इन मनी है। अब मनी उन्होंने आगे डिफाइन किया, मनी में है मतलब करेंसी में है, कॉइन में है, या चेक से है, या डीडी से है, या डिमांड ड्राफ्ट से है। अरे आया ना, पर जिस तुमने पैसा दिया और कुछ भी नहीं किया, तो जो भी पैसा देगा वो ट्रांजेक्शन इन मनी। लोन ट्रांजेक्शन, रुक जाओ, कोई हैंड ब्रेक मत लगाना, कहीं पे अपने दिमाग की सोच रोकना मत, मुझे यहां आगे एक्सप्लेन करने देना। तो आपने किसी को लोन दिया, आपने बैंक में डिपॉजिट किया, आपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया, आपने अपने फ्रेंड को पैसा दिया, आपने अनसिक्योर्ड लोन दिया, ये समझ में आया क्या? वो ट्रांजेक्शन इन क्या है? मनी। चलो बैंक के एंगल से देखते हैं, बैंक ने किसी को हाउसिंग लोन दिया, लोन पे जीएसटी नहीं है। बैंक ने किसी को टर्म लोन दिया, लोन पे जीएसटी नहीं है। बैंक ने किसी को सीसीओडी दिया, सीसीओडी पता है ना, वो लोन पे जीएसटी नहीं है, वो प्योरली ट्रांजेक्शन इन मनी है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो जो ट्रांजेक्शन इन मनी है, ओके तो वो केस में उसके ऊपर जीएसटी, मनी पे जीएसटी नहीं आएगा। या सिक्योरिटीज जो हो गए, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन मतलब ओके शेयर्स आपने, ओके किसी ने अपने शेयर बेचे, आपने खरीदे, आई रिपीट आपने क्या खरीदे, शेयर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन है। शेयर्स आगे डेफिनेशन आएगी, शेयर हुआ, शेयर पे जीएसटी नहीं है। बॉन्ड हुए, डिबेंचर्स हुए, कॉल ऑप्शन हुआ, पुट ऑप्शन हुआ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये सारे ट्रांजेक्शन इन क्या है बेटा? सिक्योरिटीज। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पता होगा तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अरे आया ना, तो ये सारे ट्रांजेक्शन, यानी जिसको हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो है सिक्योरिटीज में है, और इसके ऊपर जीएसटी क्या बेटा? नहीं आएगा। इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो मनी के इंडिया में जो भी, जहां मनी दिया जाएगा उस पर जीएसटी नहीं। डन। ओके, अब यहां पे सर एक सवाल है, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, कम ऑन, मैं आपको, तो मैंने आपको पैसा दिया कि सर्विस दी? तो मेरे पे जीएसटी आएगा। अरे आया ना, फॉर कंसिडरेशन, और आप मुझे पैसा दे रहे हो, आप भी मुझे पैसा दे रहे हो, पर आप जो मुझे पैसा दे रहे हो कि आप पे जीएसटी आएगा? नहीं, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन इन मनी है। अरे आया ना, आपका ट्रांजेक्शन इन मनी है, और मेरा ट्रांजेक्शन जो है मनी, मेरा कंसिडरेशन है। अरे आया ना, एक्चुअली मेरी सर्विस है ट्रेनिंग। ओके, मेरे एंगल से देखो, मेरे एंगल से देखोगे तो मेरी सर्विस क्या है बेटा? ट्रेनिंग। ओके, तो सर्विस के अगेंस्ट में कंसिडरेशन मनी है। ये समझ में आया क्या? और आपके एंगल से आपको क्या, आपने पैसा दिया तो वो तो ट्रांजेक्शन इन मनी था, तो जीएसटी जो है मैं लगाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो
तो ऐसे केस में मनी और सिक्योरिटीज जो है वो ट्रांजेक्शंस मियरली मनी के, जिसने पैसा दिया, किसी का भी पैसा दिया होगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, जो अपने गुड्स का पैसा और सर्विस का पैसा लेगा उस पर जीएसटी आएगा। दूसरी बात, जहां तक हम देखें, ओके, तो अब यहाँ एक एक मनी और सिक्योरिटीज का डिस्कशन हो गया। अब आते हैं, ओके, यहाँ पे गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या क्लेम किया बेटा उन्होंने, एक्शनेबल क्लेम्स। अब ये एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम, कभी आपने प्रोमिसरी नोट का नाम सुना है? अरे यस और नो? बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम सुना है? ओके, ऐसा क्लेम जो अनसिक्योर्ड है, आई रिपीट, ऐसा क्लेम जो अनसिक्योर्ड है और जिसके पास वो क्लेम की कॉपी होगी उसको पैसा मिलेगा। मतलब जिसके पास वो क्लेम की कॉपी होगी वो एक्शन लेगा, एक्शनेबल क्लेम्स। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कभी पढ़ा होगा तो प्रोमिसरी नोट्स एंडोर्स भी होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स भी होता है। ओके, तो अगर प्रोमिसरी नोट मैंने बना के दी और तुमने किसी के नाम पे एंडोर्स कर दी, उसने किसी के नाम पे एंडोर्स कर दी, उसने किसी के नाम पे एंडोर्स कर दी, अरे समझ में आया क्या? तो बताओ, अब समझ लो फोर्थ पार्टी के नाम पे एंडोर्स है प्रोमिसरी नोट, तो फोर्थ पार्टी के नाम पर प्रॉमिसरी नोट्स एंडोर्स है और वो पैसा लेने आया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, नहीं तुझे नहीं दूंगा, मेरे से जिसने पहली बार लिया उसको ही दूंगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं? नहीं, वो पर्सन उस प्रॉमिसरी नोट पे कभी भी एक्शन ले सकता है, उसका क्लेम बैठता है। अरे है ना, उसको कहते हैं हम क्या बेटा, एक्शनेबल क्लेम्स। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक्शनेबल क्लेम्स है और ये गुड्स के डेफिनेशन में डाले गए। सेकंड, लॉटरी, लॉटरी एक्शनेबल क्लेम है, जिसके पास लॉटरी टिकट्स वो एक्शन लेगा। अरे आया ना, ओके, तो वो लॉटरी टिकट्स। कैसीनो, कैसीनो एक्शनेबल क्लेम्स है, ये समझ में आया क्या? ओके, आप कभी गए नहीं होगे और अवॉइड करना, ओके, जैसे गोवा जा रहे हो, गोवा में कहां जा रहे हो, कैसीनो में, तो आपको चिप्स मिलते हैं, कॉइन मिलते हैं, अरे है ना, तो वो आप खरीदते हो। अब वो खरीदते हो, दो तीन फ्रेंड है, तो यार दो तीन मुझे दे दे। ओके, तो अब आपने क्या किया, हाँ तू रख ले पांच छे, अरे है ना, ओके चलो खेलते हैं यहाँ पे। तो अब ऐसा हो गया, खरीदे मैंने थे पर वो चिप्स और कॉइन उनके पास है, ऐसा हो गया कि जब कोई आप गेम पे खेलने बैठे तो बोलेगा नहीं 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 जिसने खरीदे वही चिप लगाएगा यहाँ पे, ऐसा हो गया, या जिसके पास है वो, इट्स एक्शनेबल क्लेम। समझ में आया क्या? इट्स अ क्या, एक्शनेबल क्लेम्स। तो कैसीनो हुआ, बेटिंग हुआ, ऑनलाइन मनी गेमिंग हुआ, गैम्बलिंग हुआ, ये सारे क्लासिफाई होते हैं इन द वर्ड क्या, एक्शनेबल क्लेम्स। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे और इस पे डिस्कशन होगा। बहुत सी बार इंश्योरेंस क्लेम, ओके, इंश्योरेंस क्लेम का नॉमिनी होता है, अरे यस और नो, वो भी एक तरह का एक्शनेबल क्लेम है। ओके, इंटरेस्ट ऑन, मतलब अरियर इंटरेस्ट है, समझ लो मुझे किसी से इंटरेस्ट लेना है और मैंने कहा कि ठीक है ये अरियर इंटरेस्ट इसको दे देना है, उसको देना, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड नहीं, क्या कहा मैंने, अनसिक्योर्ड, वो भी एक एक्शनेबल क्लेम में क्लासिफाई हो सकता है। नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, ओके, तो वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो, करेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा दिया, ओके, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अनसिक्योर्ड होते हैं, आई रिपीट द वर्ड, क्या कहा, अनसिक्योर्ड होते हैं, पर वो जिसके पास होगा ऑन डिमांड उसको पैसा देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आपको एक एग्जांपल लिखना होगा, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्शनेबल क्लेम का। ओके, तो चलिए, ये हमने देखा और ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह वो गुड्स के डेफिनेशन में आता ही है। सर इसका रिलेवेंस क्या है, गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम? रुक जाना, आगे एक स्पेशल डिस्कशन आएगा, उसमें मैं स्पेशली हैंडल करूंगा क्या बेटा, एक्शनेबल क्लेम्स। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे, ओके, सर्विस इंक्लूड्स में, आप अगर सर्विस इंक्लूड्स में आप देखते हो तो सर्विस इंक्लूड में आता है कि भाई, ओके, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर, क्या कहा मैंने, यूज ऑफ मनी। मैंने आपको पैसा दिया, समझ लो कोई फ्रेंड आया, ओके, या कोई मेरा सर, अब समझ लो आप में से कोई आया और उसने कहा कि सर मुझे 50,000 चाहिए, मैंने पैसा दिया, पैसा देना जीएसटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पैसा देना जीएसटी? क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विस के डेफिनेशन से एक्सक्लूड्स है। लेकिन ओके, मैंने कहा ठीक है पैसा दूंगा, पर उसका क्या लगेगा, इंटरेस्ट। तो बताओ, इंटरेस्ट जो मैंने लिया,
कहने से अ सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी, यस मैंने आपको पैसा यूज करने दिया और वो जो पैसा मैंने आपको यूज करने दिया उसका क्या चार्ज किया बेटा मैंने, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ सर्विस, कम ऑन, मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट लगाना सर्विस है। ओके, उस पर जीएसटी आ सकता है, ये समझ में आया। ओके, पैसा देना इज नॉट अ सर्विस, पर उसका सेपरेट कंसिडरेशन लगाना, एंड दैट सेपरेट कंसिडरेशन क्या बेटा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जीएसटी, उस पर जीएसटी आ गया। जैसे कोई बैंक है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये बैंक जो है यहां पे जो बैंक है, बैंक आपको लोन दे रही है और आपको लोन 1 लाख का दे रही है। ओके, ये लोन दिया और ये लोन पे इंटरेस्ट लगा रही है मंथली बेसिस पे, और इंटरेस्ट लगा रही है 2% के हिसाब से, 2000 पर मंथ। आई रिपीट, क्या 2000 पर मंथ, तो बताओ जीएसटी कितने वैल्यू पे आएगा, 1 लाख पे आएगा या ओनली 2000 पे आएगा, ओनली 2000 पे, क्योंकि इसे सर्विस कहा गया है। इसे क्या बोला है सर, ये लोन का जो सेपरेट कंसिडरेशन आपने चार्ज किया, दैट वुड बी ट्रीटेड एज क्या, सर्विस। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी मतलब आपने, अब देखो ये वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, आपने लोन दिया, आपने डिपॉजिट दिया, आपने एफडी किया, अरे यस और नो, किसी भी फॉर्म में आपने पैसा क्या दिया, यूज करने दिया सामने वाले को, और उसका इंटरेस्ट लगाया, तो वो यहाँ पे सर्विस बोला जाएगा। दूसरा वो कहते हैं कन्वर्जन ऑफ मनी। मनी पे जीएसटी नहीं है, पर मनी को अगर कन्वर्ट करते हो और उसका कमी, उसका सेपरेट कुछ चार्जेस लेते हो, जैसे ओके फॉरेन एक्सचेंज रुपीज में कन्वर्ट हो रही है। आई रिपीट, क्या कहा मैंने, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन ऑफ मनी है, पर उसका कमीशन लिया जा रहा है। तो समझ लो आप कुछ डॉलर्स लेके गए बैंक के पास, और बैंक के पास डॉलर्स लेके आपने कन्वर्जन अमाउंट 10 लाख रुपीज लिया, ओके, और वो 10 लाख का कमीशन भी लगा। तो अगर वो 10 लाख का कमीशन यहाँ पे लगता है, तो जीएसटी 10 लाख पे आएगा या 10 लाख के कमीशन पे आएगा, कमीशन इज ट्रीटेड एज सर्विस। आई होप यू अंडरस्टूड। तो सेपरेट कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ मनी, सेपरेट कंसिडरेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ मनी, और उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहां पे अगर हम बात करें, ओके, सिक्योरिटीज टू फैसिलिटेट और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं आएगा, समझ में आया क्या, पर सिक्योरिटीज का जो सेपरेट कंसिडरेशन होगा, जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन को हेल्प करता है, लाइक ब्रोकर, ब्रोकरेज चार्जेस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चार्जेस, उसके बाद में और कोई दूसरी सर्विस होगी, आईपीओ अरेंजमेंट चार्जेस, तो आईपीओ पता है क्या आपको, आईपीओ अरेंजमेंट चार्जेस, तो अगर इस तरह के चार्जेस हो गए तो वो चार्जेस ओके सर्विस माने जाएंगे। यानी लास्ट में कंक्लूड करता हूं, सिंपल वर्ड में मैंने आपको लिखा दिया, और ये क्या कि मनी गुड्स में सर्विस में नहीं आएगा, सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस में नहीं आएगा, पर ये ट्रांजेक्शन होने के लिए यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी, या फिर क्या टू फैसिलिटेट और अरेंजमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज, ये ट्रांजेक्शन होने के लिए अगर आपने सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया तो वो सर्विस माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ये समझ में आया। ओके, तो चलो अब इसके नीचे ये हमने देखा गुड्स का डेफिनेशन, वापस गुड्स के टेक्स्ट में आ जाओ, गुड्स के डेफिनेशन में, यस गो अहेड, माइक देना प्लीज। अच्छा पूछ लो वहां से, हाँ डॉलर की वैल्यू पे नहीं आएगा, नहीं समझ लो आप जो है यहां पे वो एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा लेते हैं कि ये मनी चेंजर है, ओके ये मनी चेंजर है, मनी चेंजर क्या होते पता है ना आपको, वेस्टर्न यूनियन, अरे है ना, या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, आपके पास यहाँ पे $1000 है और आप बैंक में या मनी चेंजर के पास गए, और मनी चेंजर ने क्या किया, मनी चेंजर ने आपसे डॉलर ले लिए 1000 और आपको क्या दे दिया, रुपीस, ओके तो यहाँ रुपीस में आपको दे दिया, समझ लो आपको 80,000 रुपीस दे रहा है, तो यहाँ वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, ओके जिसको कहा जाएगा टैक्स इनवॉइस। अब ये टैक्स इनवॉइस जो बनाएगा वो यहाँ पे इसमें ओके एक्सचेंज वैल्यू लिखेगा, और एक्सचेंज वैल्यू
ओके यहाँ पे समझ लो उसकी 80,000 एक्सचेंज वैल्यू कितनी है उसकी 80,000 और नीचे लिखेगा उसका कमीशन, और उसका कमीशन जो है वो ले रहा है 2,000 रुपीज़। कितना ले रहा है 2,000। तो बताओ नीचे जब जीएसटी लगेगा तो जीएसटी 80+2 पे लगेगा या ओनली 2 पे लगेगा, क्योंकि ये तो ट्रांजेक्शन हुआ इन क्या बेटा मनी, ये ट्रांजेक्शन हुआ इन मनी, इसके ऊपर जीएसटी नहीं। पर इसका जो सेपरेट कंसिडरेशन लगाया, और सेपरेट कंसिडरेशन क्या लगाया यहाँ पे कमीशन, ओके वो सर्विस माना जाएगा, उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो चलो ये था रिगार्डिंग टू ट्रांजेक्शन मनी। ओके तो सर लोन पे डिविडेंड जो आपको मिलता है ये इन्वेस्टमेंट का पैसा बेटा, वो अगेन ट्रांजेक्शन इन मनी है। अब देखो यहां नीचे आ जाओ एनालिसिस में, और एनालिसिस में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी रेफर टू ऑल टाइप्स ऑफ मूवेबल आइटम्स दैट कैन बी फिजिकली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू क्या अनादर। उसके बाद में एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, तो डज नॉट इंक्लूड ट्रांजेक्शन इन करेंसी, जैसे कन्वर्जन ऑफ करेंसी, डिपॉजिट, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, और सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा अंडर SCRA। सर SCRA क्या होता है? एक एक्ट है इंडिया में, लिखना है तो लिख देना, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। और ये SCRA के हिसाब से जो आपकी सिक्योरिटीज होगी उस पर भी GST नहीं आएगा। नेक्स्ट एक्शनेबल क्लेम, ओके तो गुड स्पेसिफिकली इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, यानी ये लीगल क्लेम या राइट्स होते हैं ऑन अनसिक्योर्ड डेट होते हैं दैट कैन बी प्रोक्योर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे राइट टू अरियर्स ऑफ रेंट, इंश्योरेंस क्लेम, आपको और एग्जाम्पल लिखना होगा तो लॉटरी, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद में ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास कॉम्प्राइजेस क्रॉप दैट वेज एक्टिवली ग्रोइंग ऑन लैंड एंड नेचुरल वेजिटेशन लाइक ग्रास और अफिक्स टू और पार्ट ऑफ द लैंड बट आर इंटेंडेड टू बी रिमूव बिफोर सप्लाई और पार्ट ऑफ सप्लाई। सर इसमें का कुछ लर्न करना है क्या? नहीं, फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ही पढ़ना है आपको। जो डेफिनेशन याद रखनी है वो जो हमने चार्ट बनाया था, कुछ याद आया ना? बस उतना ही एग्जाम पर्पज के लिए याद रखना है। ये जस्ट क्लैरिफाई किया, एनालाइज किया गया फॉर एग्जाम पर्पज, सॉरी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ये समझ में आया क्या? तो ये था रिगार्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गुड्स। सर हमने एक्शनेबल क्लेम्स में सिर्फ अनसिक्योर्ड डेट्स क्यों बोला? व्हाई डज इट नॉट इंक्लूड एनीथिंग दैट्स सिक्योर्ड? इफ इट इज सिक्योर्ड देन यू कैन नॉट ट्रांसफर, मींस इफ आई सिक्योर्ड माय प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, अगेंस्ट प्रॉमिसरी नोट, आई कैन नॉट शिफ्ट एंडोर्स टू एनीबडी एल्स बिकॉज माय प्रॉपर्टी इज सिक्योर्ड। समझ में आया ना? ओके इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, आई सिक्योर्ड माय प्रॉपर्टी, देन हाउ कैन आई एंडोर्स टू समबडी एल्स? हेंस इट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम्स, देयर शुड बी अनसिक्योर्ड डेब्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके सो सेकेंड अगर हम देखते हैं सर्विसेस मीन्स, ओके हमने ये पूरा चार्ट फॉर्म में देखा, यहां पे एनीथिंग जस्ट हाईलाइट कर देना एनालिसिस में, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी और सिक्योरिटीज वो सर्विसेस में आएगा। उसके बाद में सर्विस स्पेसिफिकली इंक्लूड्स यहां पे एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज और कन्वर्जन ऑफ मनी, अगर यूज और कन्वर्जन ऑफ मनी का ये हाईलाइट कर देना, सेपरेट कंसिडरेशन आप चार्ज करते हो तो वो सर्विस में आएगा। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन के ब्रोकरेज चार्जेस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो सर्विस में आएगा, और एक्सक्लूड गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है तो ये पूरा मैंने डिस्कशन आपको चार्ट फॉर्म में इजी कर दिया। माइक देना उधर, चल अब आ जाओ आगे। यस यहाँ पे आपने बोला कि यूज ऑफ मनी मतलब इंटरेस्ट पे GST लगेगा, बट इंटरेस्ट पे तो IFOS में भी टैक्स लगता है ना, तो डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा? किसमें लगता है? IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है
वेल अच्छा क्वेश्चन है सर. हम जब सुनो, हम जब सर इंटरेस्ट कमाते हैं तो इनकम टैक्स में हमें इंटरेस्ट का टैक्स देना पड़ता है. और सर ये आप कह रहे हो कि इंटरेस्ट सर्विस भी है, आप कह रहे हो इंटरेस्ट सर्विस भी है और इसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी भी लगेगा. तो आपको नहीं लगता है कि ये डबल टैक्सेशन है? पहली बात तो मेरा फर्स्ट लेक्चर था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. मेरे ओके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स ये तिजोरी टैक्स है. ओके एक एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया था, ये लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन एंटरटेन कर रहा होगा. इसके बाद ओके डीटी अलग, आईडीटी अलग, ये लास्ट टाइम एंटरटेन कर रहा हूं. मैंने आपको कहा था कि अगर कोई सेलर ने सेल किया और सेल किया समझ लो 20 लाख में, आई रिपीट सेल किया क्या 20 लाख में, ये बात समझिए नहीं समझिए, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल दिखेगी कितने की 20 लाख की. पर ये 20 लाख पे तो मैं जीएसटी दे रहा हूं क्योंकि सेल है. और इसी 20 लाख से प्रॉफिट बचा, इसी 20 लाख से क्या प्रॉफिट बचा, कितना बचा प्रॉफिट 5 लाख. ओके तो 5 लाख बचा तो इसके ऊपर क्या आता है, इनकम टैक्स. तब भी मैंने आपको एक सवाल पूछा था, सवाल ये पूछा था आपको नहीं लगता ये डबल टैक्सेशन है, तो आपने कहा था नहीं सर नहीं है. अरे आया ना, आपने कहा था नहीं है. क्यों नहीं है डबल टैक्सेशन? अरे क्यों नहीं है डबल टैक्सेशन? क्योंकि यहां तक एक तो बर्डन था, अरे कुछ याद आया क्या, और दूसरा क्या था कि ये टैक्स का ऑब्जेक्ट अलग है. फिर तो हर ट्रांजेक्शन डबल टैक्सेशन में, फिर सेल भी डबल टैक्सेशन में. नहीं समझ में आया? अरे सेल किया तो क्या लगा, जीएसटी, और उसी सेल से प्रॉफिट आया तो उसके ऊपर क्या इनकम टैक्स, तो फिर तो सभी डबल टैक्सेशन है. ओके डबल यहां पे मैं इन सिंपल वर्ड, ये बर्डन पास ऑन होता है बेटा, आई रिपीट ये बर्डन पास ऑन होता है. और ये तिजोरी टैक्स है, आपके पॉकेट में पैसा जमा हो रहा है. डोंट अलाउ एनीबॉडी टू एक्यूमुलेट इनकम, उसके तिजोरी से पैसा निकालो और पब्लिक में लाओ. दोनों के ऑब्जेक्ट टोटली अलग है, एक बिजनेस टैक्स है और दूसरा इनकम टैक्स है. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके तो ऐसे केस में अब मैं यहां पे, भाई साहब ये ऐसा ही है, नहीं तो फिर तो क्योंकि हर बिजनेस एक्टिविटी में इनकम टैक्स भी लगता है, फिर तो जीएसटी लगाना ही मुश्किल हो जाएगा. ये समझ में आया? ओके जैसा मुझे ये बताओ, सेकेंड एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं शायद, बस ये लास्ट टाइम ट्राई करता हूं. ओके इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब मैं आपको ये कहता हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हो, आई रिपीट इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हो तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि इमूवेबल आप ट्रांजेक्शन गुड्स का कर रहे हैं या सर्विस, सॉरी आप ट्रांजेक्शन मूवेबल का कर रहे हैं या इमूवेबल का कर रहे हैं, इसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा. पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, देखते हो आपको समझ में आएगा क्या. इमूवेबल प्रॉपर्टी आप रेंट पे देते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो, ये बताओ ये सेल, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करना हुआ या इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देना हुआ? रेंट पे जीएसटी आता है, बिकॉज सर्विस मतलब एनीथिंग. अरे है ना, रेंट पे जीएसटी आएगा. अच्छा ये रेंट पे जीएसटी आएगा, समझ लो आपका रेंट है 1 लाख रुपए, आई रिपीट आपका रेंट क्या है 1 लाख रुपए, इसके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा समझ लो एट द रेट 18%, कितना लगा 18,000. और ये रेंट आपकी इनकम भी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये रेंट आपकी इनकम है. तो ये बताओ इसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगेगा क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी? यस. तो पर दोनों का टैक्स लगाने का ऑब्जेक्ट अलग है, एक बर्डन दूसरा तिजोरी टैक्स. ये समझा है नहीं समझा? तो दोनों बिल्कुल अलग है, एक बिजनेस टैक्स है, बिजनेस किया टैक्स लगाओ और बर्डन पास ऑन करो. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो धीरे धीरे आगे
और क्लैरिटी आएगी। ये समझा अभी तक? ओके, तो यहां तक है इंटरेस्ट पे जीएसटी भी आता है पर उसका बर्डन पास ऑन हो जाता है। समझ लो बैंक इंटरेस्ट लगा रही है तो बैंक का इंटरेस्ट कमाई है, आई रिपीट, बैंक की इंटरेस्ट क्या कमाई है, पर अगर उसके ऊपर जीएसटी लगता है तो क्या होगा, बर्डन पास ऑन, वो कस्टमर पे पास ऑन कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू कन्वर्जन। ये यहां पे जहां तक देखा जाए तो कन्वर्जन ऑफ मनी, एक मिनट मैं थोड़ा यहां पे, समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर है ना? देखो समझ में आ गया, मन नहीं मान रहा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही है बेटा, एक बिजनेस टैक्स है। रुक जाओ, उसके लिए रुक जाओ, डोंट हैंड ब्रेक मत लगाओ इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट पे हैंड ब्रेक लगा दिया तुमने तो और ज्यादा पैरामीटर्स अभी सोचने बैठे, जबकि मैं आगे और इसको अच्छे से अभी जित, हाँ सबको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी ज्यादा पैरामीटर पे सोचो मत क्योंकि तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि जितने पैरामीटर तुमने सोचे उतना कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, सोल्यूशन कुछ। और जी मैंने पहले ही कहा आपको बिजनेस बिल्कुल पता नहीं है, और कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है एक ऐसा टैक्स पढ़ाना जो बिजनेस से कनेक्टेड है। ये समझ में आया क्या? इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है मुझे टाइम दो थोड़ा, ज्यादा पैरामीटर पे अभी इमीडिएट मत सोचो क्योंकि जितने पैरामीटर्स बनाओगे उतना कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। मैं हैंडल करता हूँ सारी चीजें, देन ओके, तो अभी 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 सिर्फ इतना पॉइंट में फिक्स करो, इंटरेस्ट होगा तो वो इंटरेस्ट होगा तो वो क्या कहा जाएगा, सर्विस, इंटरेस्ट होगा तो वो सर्विस कहा जाएगा। अब मैं थोड़ा ये इंटरेस्ट के डिस्कशन पे आना चाहूंगा, इंटरेस्ट के डिस्कशन पे आना चाहूंगा, और देखो अब मैं जो डिस्कशन लूंगा इसमें आपके आंसर मिलते हैं क्या। समझ लो एक बैंक है, ओके एक बैंक है यहां पे, ओके एक बैंक है, और यहां पे ये बैंक ने किसी को लोन दिया हुआ है, एक पर्सन को, और लोन दिया हुआ है, और लोन यहां पे 1 लाख रुपीस का लोन है। अच्छा लोन देना क्या हुआ, लोन देना सर्विस है या ट्रांजेक्शन इन मनी है? इस पर तो जीएसटी नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका बैंक क्या लगा रही है बेटा, इसका इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट लगा रही है 2000। तो मुझे ये बताओ, अब थोड़ा डिस्कशन स्लो हो गया पर ठीक है, मैं वापस से गेयर अप कर लूंगा। ओके, तो मुझे ये बताओ इंटरेस्ट 2000 लगा रही है, मुझे बताओ अगर ये मैं सर्विस कहूं, अगर मैं ये क्या कहूं बेटा, सर्विस, तो हु इज द सप्लायर, हाँ बैंक इज द सप्लायर। सभी एक बात कहो क्या, जिसको पैसा मिलता है वो ऑलवेज सप्लायर, समझ में आया क्या, जिसको पैसा मिलता है वो ऑलवेज सप्लाई, और जो पैसा देता है वो रिसिपिएंट। अच्छा बैंक ने सर्विस क्या दी, यूज ऑफ मनी, बैंक ने सर्विस क्या दी, यूज ऑफ मनी, उसका क्या मिला, इंटरेस्ट, ये सर्विस माना गया। अब क्या हुआ, ये 2000 अगर सर्विस है तो इसके ऊपर क्या लगना चाहिए, जीएसटी। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो, ओके अब आप सेटिस्फाई हो गए। कल हमने एक चार्ट देखा था, ओके टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, कुछ याद है? अरे यस और नो, अच्छा टैक्सेबल सप्लाई में कौन कौन से सप्लाई आते हैं, टैक्सेबल सप्लाई में कौन कौन से सप्लाई आते हैं, चार्जेबल, दूसरा क्या जीरो रेट, तीसरा एग्जम्प्टेड, क्या एग्जम्प्टेड सप्लाई है, अरे आए ना, बट क्या है बेटा, एग्जम्प्टेड है, और एक क्या आता है, नील रेट, कुछ याद है क्या। फिलहाल गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, फिलहाल मेरे वर्ड सुनना, फिलहाल गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यहां पे ये जो लोन के इंटरेस्ट है, आई रिपीट द वर्ड, क्या कहा मैंने, लोन के इंटरेस्ट है, जो सर्विस है, आई रिपीट, जो सर्विस है, पर इसको एग्जम्पशन दिया हुआ है, इसको एग्जम्पशन दिया है का मतलब इट्स अ सर्विस, इट्स अ सप्लाई, बट टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कुछ याद है क्या, इसको क्या दिया हुआ है, एग्जम्प्ट। इसलिए आपको जब
ओके, बैंक लोन देती है और इंटरेस्ट लगाती है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है जीएसटी? क्योंकि एग्जम्प्टेड है। आई रिपीट द वर्ड, क्या? क्योंकि एग्जम्प्टेड है। तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए, ओके, फिर से एक बार, ये सर्विस है बट, सर्विस है बट क्या बेटा? एग्जम्प्ट है। पर मैंने एग्जम्प्ट सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में बोला है, कमीशन के बारे में नहीं बोला है, बाकी बारे में नहीं बोला है, सिर्फ किसको बोला है मैंने? इंटरेस्ट के बारे में। इसलिए अगर वहां जगह होगी चार्ट के बाजू में, या यहां अगर थोड़ी सी जगह होगी, तो यहां ऐसा बॉक्स बनाओ और ये यूज ऑफ मनी का यहां ऐसा बॉक्स बनाओ और लिखो, ओके, यहां नोट लिखना है, और नोट लिखना इंटरेस्ट ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स, लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स, ब्रैकेट में यूज ऑफ मनी इज अ सर्विस, वो सर्विस है बट गवर्नमेंट हैव एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड द जीएसटी पेमेंट, गवर्नमेंट हैज एग्जम्प्टेड जीएसटी पेमेंट, ये एग्जम्प्टेड हाईलाइट कर रहा, एग्जम्प्टेड हाईलाइट करना, बट गवर्नमेंट हैव एग्जम्प्टेड क्या? जीएसटी पेमेंट। चल डन, अब यहां पे आ जाना, नीचे आ जाओ, मीनिंग ऑफ मनी, ओके, मनी में इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी वो भी आएगी, मनी का तो चेक या प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एक्शनेबल क्लेम भी है तो वो मनी के डेफिनेशन में भी कवर किया है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर्स चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, ये सारा ओके मनी माना जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आपने कैश से ही पैसा दिया हो, आपने चेक से भी दिया हो तो भी ये ट्रांजेक्शन इन मनी माना जाएगा। हाँ, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज बाय क्या बेटा? आरबीआई, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी, यह हाईलाइट करना, शैल नॉट इंक्लूड्स एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इज न्यूमिमेस्टिक वैल्यू। अब न्यूमिमेस्टिक वैल्यू मतलब क्या? ओके, न्यूमिमेस्टिक मीन्स कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ मनी, जैसे कॉइन इन अ पर्टिकुलर केस। तो एग्जाम्पल लो, अशोका के जमाने के अभी समझ लो कुछ गोल्ड कॉइन मिले हैं, कॉपर कॉइन मिले हैं, अरे आया ना, वो तब मनी था, ओके, तब वो क्या मनी था, आज वो मनी है या जिसकी सिर्फ एक, सॉरी जिसकी सिर्फ नहीं बोलूंगा, जिसकी एक न्यूमिमिस्टिक वैल्यू है। तो मुझे एक थोड़ा छोड़ दो वर्डिंग्स को, मुझे बताओ आज मेरे पास ओके अशोका के इरा के कॉपर कॉइन मिले और मैं वो 10 करोड़ में बेच रहा हूं, अरे है ना, 10 करोड़ में बेच रहा हो, तो वो ट्रांजेक्शन इन मनी है या ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स है? हा? अरे वो कॉपर कॉइन मनी तब हो गए मनी, पर आज उसकी न्यूमिमिस्टिक वैल्यू है, अरे है ना, 10 साल पहले का 1000 का नोट, अरे है ना, ओके, डिमोनेटाइजेशन होने के पहले का 1000 का नोट, ओके, अगर मेरे पास है और आज मैं 10 लाख में बेच रहा हूं तो वो गुड्स है, आज वो गुड्स है, तब वो करेंसी थी। तो उन्होंने स्पेशली कहा कि मनी के डेफिनेशन में वो नहीं आएगी करेंसी जिसकी क्या न्यूमिमिस्टिक वैल्यू है, जो आज की करेंसी नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो कॉपर कॉइन, गोल्ड कॉइन ऑफ अशोका इरा, ओके, तो वो मनी नहीं कहलाए जाएंगे। चलो नेक्स्ट अगर हम आते हैं, तो स्पेशल डिस्कशन ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फाइनेंशियल सर्विस बाय बैंक और इंस्टीट्यूशन,
बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग लेंडिंग बोरोइंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऑफन यूज इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो जहां तक देखा जाए बैंकिंग सेक्टर में ये यूज ऑफ मनी के लिए बहुत सारा पैसा दिया जाता है। जब यूज ऑफ लोन दिया जाता है, एडवांसेस दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट दी जाती है, डिपॉजिट दिया जाता है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। और उसके इंटरेस्ट सर्विस मानी जाएगी, पर इंटरेस्ट आर क्या एग्जम्प्टेड। तो चलिए, तो अब आगे आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ गुड्स, द एक्सक्लूजन ऑफ मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। आगे एक डायग्राम पे आ जाओ, ये डायग्राम पे आ जाना। एक्टिविटी इन मनी नॉट टैक्सेबल, डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, बोरोइंग और रिपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। पर कौन सी एक्टिविटी इन मनी मानी जाएगी, एक्टिविटी रिलेशन टू मनी मानी जाएगी वो टैक्सेबल। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, ओके, ये सर्विस है बट यहां लिख दो एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड। और प्रोसेसिंग फीस, तो प्रोसेसिंग फीस यहां पे जो है यहां पे प्रोसेसिंग फीस, तो ये टैक्सेबल रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड है, बाकी कोई भी बैंक की एक्टिविटी टैक्सेबल होगी। कन्वर्जन ऑफ मनी, रुपीज टू कॉइन कन्वर्ट किया, फॉरेन करेंसी कन्वर्ट किया, तो ये जो कन्वर्जन ऑफ मनी का कमीशन होगा वो इसका कमीशन पर टैक्स लगाया जाएगा। एक काम करो, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा आपको ये डेफिनेशन पे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर P10 पे आओ, क्वेश्चन नंबर P10 पे आओ, ठीक है। जब आप नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर P10 पे आते हो, अब देखो यहां पे थोड़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी आपको। एस बैंक एग्जीक्यूटेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 20XX XY, कैलकुलेट जीएसटी लाइबिलिटी इफ द रेट ऑफ जीएसटी अप्लीकेबल इज 18%, ऑल्सो अज्यूम ऑल द ट्रांजेक्शन, क्या बेटा इंटरेस्टेड, मुझे बताओ। एस बैंक है और उसने लोन दिया 200 लाख का, क्या होगा इसका जीएसटी का इंपैक्ट? हाँ, रीजन क्या? ये ट्रांजेक्शन इन मनी है। अब देखो सिंपल लगने लगेगा धीरे धीरे, ये ट्रांजेक्शन इन मनी है, जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। चलो ऑनलाइन सभी जवाब दो, जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? मैं इन बिटवीन अभी फिलहाल क्वेश्चंस कवर नहीं करूंगा, मुझे कॉन्सेप्ट को खत्म करने दो, फिर आपके क्या क्वेश्चन से मैं लूंगा। दूसरा, इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन, एक मिनट, पहले तो ये बताओ ये गुड्स है या सर्विस? सर्विस है, पर एग्जम्प्टेड, बट क्या इंटरेस्ट को एग्जम्पशन दिया है, एग्जम्पशन दिया मतलब इट्स अ सर्विस। आंसर क्या जाएगा? इट्स अ सर्विस बट एग्जम्प्टेड, डन। उसके बाद में नेक्स्ट, इंटरेस्ट अर्न ऑन ओडी और सीसी, इट्स अ सर्विस बट क्या एग्जम्प्टेड। इंटरेस्ट अर्न ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट को एग्जम्पशन नहीं दिया उन्होंने, तो इसके ऊपर टैक्स आएगा, मैं आगे आपको बता दूंगा एग्जम्पशन चैप्टर में। ओके, ये नो जीएसटी, ये भी नो जीएसटी, पर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट उन्होंने एग्जम्पशन नहीं दिया है। पहले तो बताओ इंटरेस्ट सर्विस है, अरे यस और नो, इंटरेस्ट सर्विस है पर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पर जीएसटी आता है। उसके बाद में चलो, बैंक चार्जेस ऑन वेरियस एक्टिविटी अंडरटेकन, थोड़ा चार्ट सामने रखना। बैंक आपको दिया है, बैंक चार्जेस लगा है बैंक ने, तो हु इज द सप्लायर फॉर बैंक चार्जेस? बैंक, ठीक है। क्या ये बैंक चार्जेस गुड्स में आते हैं? तो फिर एक सोचो, सर्विस में आते हैं? सर्विस मतलब एनीथिंग, सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, इवन इंटरेस्ट भी होगा तो भी सर्विस है, पर इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। पर बैंक चार्जेस क्या जीएसटी आएगा? यस, तो यस जीएसटी आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, कमीशन अर्न ऑन कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, एक मिनट, फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करके दिया, वो तो ट्रांजेक्शन इन मनी है, अरे है ना, पर उसका कमीशन लिया, क्या जीएसटी आएगा? यस। ओके, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड,
सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, क्या ये सिक्योरिटीज है? इस पे जीएसटी आएगा नहीं आएगा? चलो सॉल्व करते हैं फटाफट, रिमार्क लिखते हैं। ओके, यहां पे सॉल्व करके आपको रिमार्क लिखते हैं, टेबल बनाएंगे। उन्होंने क्या पूछा है? कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, लिखो वहां पे कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑफ एस बैंक, फटाफट बनाओ मेरे साथ और खुद ही ट्राई करो, कहीं अड़ जाओ तो बोर्ड देखना। कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑफ एस बैंक, एस बैंक। चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, हम स्लो हो गए थे बीच में, पर वापस से स्पीड बढ़ाओ। ओके, पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स आएगा, और रिमार्क के लिए ज्यादा स्पेस रखना, उसके सामने आपका रिमार्क आना चाहिए। पर्टिकुलर्स में वन, पहला ट्रांजेक्शन क्या है? ओके, टर्म लोन। अच्छा, टर्म लोन टैक्सेबल वैल्यू नील, क्यों? टर्म लोन ट्रांजेक्शन इन मनी है, ठीक है, लिखो रिमार्क में, इट इज अ ट्रांजेक्शन इन मनी, ट्रांजेक्शन इन मनी विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ गुड्स। लिखते वक्त पूरा ध्यान क्या लिख रहे हैं वो आपका पूरा फोकस होना चाहिए, सिर्फ कॉपी मत करना। इट इज एक्सक्लूडेड, और एक आदत लगाओ कि मेरे लिखने के पहले, मेरे बोलने के पहले खुद ही आ जाना चाहिए। जिसकी ये आदत डेवलप हो गई, मैं कहूँगा भाई साहब वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड क्या? सर्विस। ओके, चलो सेकंड ट्रांजेक्शन लो, क्या है? इंटरेस्ट अर्न ऑन टर्म लोन, ऑन टर्म लोन। अच्छा, इस पे ये वैल्यू, इस पे टैक्स है कि नहीं है? इट्स अ सर्विस, बट क्या? एग्जम्प्ट, तो यहां लिखो एग्जम्प्ट। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैश एंड एग्जम्प्ट? डैश मतलब जीएसटी नहीं है, और एग्जम मतलब है। अभी एग्जम्प्ट समझ में आया क्या? ओके, एग्जम्प्ट, और लिखो इफ सेपरेट कंसिडरेशन, इफ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ सर्विस, सर्विस तो है बट क्या बेटा? बट एग्जम्प्टेड, इज अ सर्विस बट एग्जम्प्टेड। सिर्फ इंटरेस्ट को एग्जम किया, वो भी क्रेडिट कार्ड छोड़कर, वो भी क्या? क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट छोड़ के। समझ लो आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने ओवर ड्यू कर दिया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक क्या लगाएगी आपके ऊपर? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट पे जीएसटी, देखना कभी आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो इंटरेस्ट पे जीएसटी लग के आता है। अरे ये समझा नहीं समझा? ओके, नाउ थर्ड, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट ऑन ओडी सीसी एग्जम्प्ट है, आंसर सेम। ऐसा एग्जाम में कर सकते हो, कोई सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, सेम एज अबव। ये समझ में आया क्या? कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। आंसर सेम का मतलब यूज ऑफ मनी है और एग्जम्प्टेड है। ओके, फोर्थ, इंटरेस्ट अर्न
ऑन क्या बेटा? क्या ये इंटरेस्ट पे जीएसटी आएगा? हाँ आएगा। कितनी वैल्यू है? कितना वैल्यू है? 10 लाख। 10 लाख है। लिखो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड इज नॉट एग्जम्प्टेड, इज नॉट एग्जम्प्टेड। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस तो मेन बिजनेस है बैंक का, ऑन वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, कितना है बेटा बैंक चार्जेस यहाँ पे? 10 लाख। बैंक चार्जेस 10 लाख। देखो इट्स अ सर्विस एंड टैक्सेबल, इट्स अ सर्विस एंड टैक्सेबल। और 6 नंबर पे कमीशन अर्न्ड, कमीशन अर्न्ड ऑन कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, ऑन फॉरेन करेंसी क्या होगा बेटा? ये टैक्सेबल है क्या? फिर से एक बार कह देता हूं, ओनली इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है अदर देन क्रेडिट कार्ड। ये समझ में आया क्या? तो यहां पे 5 लाख लिखो, सर्विस इंक्लूड्स, इंक्लूड्स सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज। ये सेपरेट वर्ड कंसिडरेशन आना ही चाहिए, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर कन्वर्जन ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी, हेंस इट इज क्या बेटा? टैक्सेबल। हेंस इट इज टैक्सेबल। जो यहां सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड है, ऑनलाइन कनेक्टेड है, ये प्रॉब्लम समझ में आया और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा? अरे यस और नो, और क्लैरिटी आई और इनसाइट मिला, ऐसा मुझे टाइम देना। मैं आपको इतना इनसाइट दूंगा जीएसटी का कि आप कहोगे बस सर अब आगे बढ़ो। अरे हाँ है ना। ओके, तो ये था। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया? एक और बचा है क्या? कौन सा बचा है? सेल ऑफ बॉन्ड, सेल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कितने अच्छा टैक्स आएगा ना सेल ऑफ बॉन्ड पे? दूंगा दो खींच के नहीं, क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटीज है। ओके, यह डैश कर दो। इट इज अ ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज विच इज एक्सक्लूडेड विट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्या बेटा? गुड्स एंड सर्विसेस। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई? टोटल टैक्सेबल वैल्यू, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी लर्न कर लो। जो आएगा टोटल क्या टैक्सेबल वैल्यू कितना आया टोटल? 25 लाख। और जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है? CGST 9% और SGST 9%। निकालो कितना आएगा? 2,25,000, 2,25,000। ठीक है, रेफरेंस बराबर दे रहे हो ना आप? ओके, रेगुलर मैट का, अरे है ना RM रेगुलर मैट पेज नंबर
वो आप एंसर में बराबर देगा, आरएम, रेगुलर मैट और पेज नंबर, और आपने इस कॉपी को पेज नंबर दिए होगे तो यहाँ पे इसको रजिस्टर का पेज नंबर डाल दो, अरे यस ना, तो क्रॉस आपके लिए आसान हो जाएगा जो भी आपका कॉपी पेज नंबर आता है। चलो एक प्रॉब्लम और लेते हैं तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। पी एलेवन पे आ जाओ। हाँ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, एकदम नींद खोल देगा आपकी अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे P11 है, XYZ लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट, XYZ है और क्या बना रहा है बेटा, शर्ट, गुड्स है या सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। इट हैज परचेस अ फैब्रिक ऑफ 5000 मीटर्स फॉर रुपीज 10 लाख, उसने 5000 फैब्रिक्स खरीदा 10 लाख में। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड 2000 शर्ट बाय यूजिंग 4000 मीटर्स ऑफ क्या, फैब्रिक्स, 5000 फैब्रिक्स का खरीदा था, उसमें से 4000 मीटर यूज कर लिए और कितने शर्ट्स बनाए, 2000, 1000 मीटर्स ऑफ फैब्रिक स्टिल लाइंग इन स्टॉक, 1000 मीटर स्टॉक में है। द कंपनी फाउंड दैट 500 मीटर्स ऑफ फैब्रिक्स इज इन एक्सेस एंड डिसाइडेड टू सेल इट टू क्या, मिस्टर बी, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं डेवलप करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मुझे यह बताओ, जीएसटी जो आता है, अब सभी ध्यान सुनना, जीएसटी जो आता है कि कौन से वर्ड पे आ रहा है, सप्लाई ऑफ क्या, गुड्स, और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल या सर्विस बाय वे ऑफ, ओके, लीज, रेंटल, डिस्पोजल एक्सेट्रा, अरे है ना। तो अब ये गुड्स का मतलब क्या, अरे गुड्स का मतलब क्या, एनी काइंड ऑफ, अरे यस और नो। अब भाई साहब ध्यान से सुनो, मैंने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया, ओके, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया और ये फिनिश गुड्स सेल किया, क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा, अरे आया ना। चलो दूसरा एग्जांपल, रॉ मटेरियल का कुछ स्टॉक था और ये रॉ मटेरियल का स्टॉक मैंने फिनिश गुड्स न बनाते हुए बेच दिया, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा, अरे नहीं, जीएसटी फिनिश गुड्स पे आता है, जीएसटी फिनिश गुड्स पे आता है या गुड्स पे आता है, गुड्स पे आता है। तो सर मतलब ये रॉ मटेरियल बेचा तो भी जीएसटी आएगा, हाँ, और गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अरे है ना, एनी काइंड ऑफ, तो रॉ मटेरियल बेचा तो भी जीएसटी आएगा, अरे सर लेकिन, नो लेकिन वेकिन, जस्ट चेक इन, अरे है ना। तो ऐसे केस में तो जहां पे इस पर भी जीएसटी आएगा। अब देखो सर, इसका जो है ना रॉम के प्रोसेस में वेस्ट निकला, वेस्ट, अरे आया ना, जैसा शर्ट बना रहे हो तो वेस्ट निकला चिंदी, शुगर बना रहे तो वेस्ट निकला मोलासेस, अरे आया ना, या बगास जो भी है, तो यहां पे ये वेस्ट बेचा सर, ये वेस्ट बेचा, ये वेस्ट पर भी जीएसटी आएगा क्या, जीएसटी इज ऑन क्या, गुड्स, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑल सर्विसेस सच एज, ये क्या था वो राजेश खन्ना स्टाइल, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, ओके, तो राजेश खन्ना स्टाइल, भाई वो सब बेचा आपने, ये समझ में आया कि नहीं, तो वो जो भी है मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर क्या, कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या वेस्ट बेचना पर्सनल एक्टिविटी की इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जीएसटी आएगा, अरे आया ना, वेस्ट में भी जीएसटी आएगा। अब एक एग्जांपल और आपके सामने, समझ लो आपकी बैलेंस शीट है, आपके बिजनेस की बैलेंस शीट है, अरे है ना, और इसमें फर्नीचर है, फर्नीचर मूवेबल, 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 एक बार फिर से मूवेबल, समझ में आया क्या, मूवेबल फर्नीचर है, यानी 20 मार्ट में ये जो है बेंचेस, बेंचेस मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया होगा कि बैलेंस शीट में एसेट बताइए, एसेट बताइए, मूवेबल फर्नीचर है बेंचेस,
पर ये बेंचेस ना मैंने बेच दिए, 80 का कोई गुड्स मैंने बेच दिया, क्या इस पर जीएसटी आएगा? हाँ, क्यों आएगा इस पर जीएसटी? जीएसटी फिनिश गुड्स पे आता है, ऐसा नहीं है, जीएसटी गुड्स पे आता है, और गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अरे समझा क्या? यानी असेट का भी गुड्स बेचोगे तो जीएसटी आएगा? हाँ, जी समझ में आया। तो आप वेज बेच रहे हो, आप रॉ मटेरियल बेच रहे हो, आप फिनिश गुड्स बेच रहे हो, आप असेट का कोई गुड्स बेच रहे हो, जीएसटी इज पेबल। मन माने ना माने, डिड यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे केस में आपका सभी गुड्स आएगा। तो भाई साहब अब ये प्रॉब्लम का केस स्टडी यहां देखो, वो 5000 मीटर्स ऑफ फैब्रिक्स उसने रॉ मटेरियल खरीदा था, उससे फिनिश गुड्स बनाया 2000 शर्ट्स, अरे है ना, उसके पास 1000 मीटर्स ऑफ फैब्रिक स्टॉक में पड़ा था, उसमें से वो जो रॉ मटेरियल था फैब्रिक्स 500 मीटर्स जो एक्सेस था, तो वो सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? बी को। तो बताओ ये स्टॉक का 500 सेल कर रहा है, जीएसटी आएगा? भाई साहब फिनिश गुड्स पे आएगा या रॉ मटेरियल भी बेचते तो आएगा? जीएसटी गुड्स पे है, और गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आपने ये बेचा, तो ऐसे केस में इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट जनरेटेड 500 फैब्रिक्स इन एक्सेस एंड डिसाइडेड टू सेल बी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉल्ड एज चिंदी। अरे है ना, तो अब वेस्ट पर भी जीएसटी आता है। डिटरमाइन जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एक्स वाई लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कितने शर्ट्स बनाए थे उसने? हाँ, 2000, और ये पहला कितना बेच रहा है? 1500 शर्ट्स आर सोल्ड, प्राइस दिए 2000 पर शर्ट, अप्लीकेबल रेट क्या है? 18%। ठीक है, दूसरा वेस्ट सेल किया 2,00,000 रुपए में, अप्लीकेबल रेट उसका 5% है। 500 मीटर्स ऑफ फैब्रिक सोल्ड फॉर 300 पर मीटर, ओके, अप्लीकेबल रेट 5%। ठीक है, यहां तक तो वेस्ट बेचे या रॉ मटेरियल बेचे या शर्ट बेचे, जीएसटी आएगा। आगे देखो, 300 शर्ट्स आर ट्रांसफर टू अनादर रजिस्टर ब्रांच लोकेटेड इन अ क्या, डिफरेंट स्टेट। अपने ब्रांच को ट्रांसफर किया सिर्फ जो अदर स्टेट में, सच स्टॉक ट्रांसफर इज वैल्यूड एट रुपीज क्या, 2000 पर शर्ट। मतलब अगर उसका वैल्यूएशन करें तो कितना वैल्यू आ रही है उसकी, 2000 पर शर्ट एंड अप्लीकेबल रेट जीएसटी। अपने ही ब्रांच को ट्रांसफर करना जो अदर स्टेट में है, सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी आएगा? ये वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट सोचती है। अरे आया ना, इजी लग रहा है? आगे आगे देखो, तो ये तो क्या इस पे जीएसटी लगाएंगे? क्यों जीएसटी लगाएंगे भाई साहब, क्यों जीएसटी लगाएंगे? क्योंकि अनादर स्टेट है, सेपरेट होगा, डीडीपी होगा, स्टॉक ट्रांसफर टू डीडीपी। इवन दो स्टॉक ट्रांसफर किया, तुम्हारी ब्रांच है, पर ये सेक्शन 7(1)(c) पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 क्या सप्लाई माना जाएगा? हाँ, ठीक है। 100 शर्ट्स आर ट्रांसफर, 100 शर्ट्स आर ट्रांसफर टू अनादर ब्रांच विद इन अ सेम स्टेट विच इज नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड। क्या लगता है आखिरी वाला नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? सेपरेट डीडीपी नहीं है तो इस पर जीएसटी नहीं आएगा, सीबीए चालान में ट्रांसफर होगा। अरे ये सुनो, तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। ओके, आ जाओ यहां पे। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे ये सिर्फ इतना लिख लो आप कि पहला ट्रांजेक्शन इंट्रा है, यहां लिख लो, दूसरा ट्रांजेक्शन भी इंट्रा ही है, तीसरा ट्रांजेक्शन लिख लो वहां पे, ये इंट्रा मैं लिखवा रहा हूं वो इंट्रा है, लेकिन बताओ जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ वो इंट्रा है या इंटर है? वो इंटर है, और लास्ट तो लगेगा नहीं। तो यहां पे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ
जीएसटी लायबिलिटी क्या पूछा उन्होंने हमें? हाँ जीएसटी लायबिलिटी नहीं, रेट नहीं दिया है, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, रेट वगैरह नहीं दिया। रेट दिया है क्या उन्होंने? दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, कभी कभी मैं जानबूझ के मिस्टेक करता हूँ, देखता हूँ तुम्हारा कितना ध्यान है। जीएसटी लायबिलिटी ऑफ एक्स वाई जेड, क्या बेटा? लिमिटेड, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अब देखो प्रॉब्लम में जब तीनों टैक्स निकालने होते हैं तो आपको रिमार्क के लिए स्पेस नहीं मिलता है, तो फिर यहाँ पे दूसरा एक फॉर्मेट यूज करेंगे और वह हम टैग करेंगे, नोट वन, नोट टू, नोट थ्री, यस और नो। क्योंकि आपको देखो पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सबसे पहले कौन सा टैक्स लोगे? आईजीएसटी। क्यों लेंगे हम पहले आईजीएसटी के टैक्स? क्योंकि अगर आगे जाके कोई प्रॉब्लम में क्रेडिट भी रहा, अरे है ना, तो आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी, समझ में आया? तो ये आदत लगा लेना, पहला कॉलम आईजीएसटी, दूसरा कॉलम क्या बेटा? सीजीएसटी, तीसरा कॉलम एसजीएसटी। हाँ लेकिन अब इतने कॉलम्स बन रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में नोट्स के लिए, रिमार्क के लिए जगह तो आपको मिलने वाली नहीं है, तो यहाँ या फिर टैगिंग मेथड यूज करना। ओके, तो टैगिंग मेथड में नीचे नोट्स देंगे और पर्टिकुलर्स में लिखो, पहला इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट सेल ऑफ शर्ट, ठीक है। वैल्यू कितनी आएगी बेटा? कितने शर्ट्स बेचे? 30 लाख आएगा ना, 30 लाख आएगा, 1500 इंटू 2000 है ना, हाँ इंटू 2000। आईजीएसटी डैश, सीजीएसटी, अच्छा इंट्रा है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, ऐसे ब्रैकेट में कैलकुलेशन बताना। ओके, कैसे निकाला आपने? तो 30 लाख इंटू क्या रेट था? 9%। यहाँ भी 30 लाख इंटू 9%, ये ब्रैकेट की कैलकुलेशन बहुत रिलेवेंट होता है। अच्छा सॉरी, ये 1500 है, मेरे से गलती होगी, ठीक है 1500, चेक कर रहा था, ध्यान है नहीं है आपका, पर किसी का ध्यान था, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रास्टेट, दूसरा क्या बेटा? इंट्रास्टेट सेल ऑफ वेस्ट, वेस्ट बेचा, इस पर भी जीएसटी आएगा, कितना आएगा? ये डायरेक्ट फुल वैल्यू दिया है ना उन्होंने, कितने दिए फुल वैल्यू? 2 लाख फुल वैल्यू दे दी उन्होंने। ये भी इंट्रा है, निकाल लो जीएसटी, 5000 एंड 5000, क्या रेट से आया? 2.5%, और ये भी 2 लाख इंटू 2.5%, ठीक है। यस, ऑनलाइन वालों ने पहले ही बता दिया, ज्यादा अलर्ट है, वेरी गुड। चलो इंट्रास्टेट सर कहाँ लिखा है? मैंने लिखा के दिया है, वो प्रिंट होना रह गया था, अरे है ना, तो ये मैंने लिखा के दिया है। डिड यू अंडरस्टैंड बच्चों? सामने इंट्रा प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए प्लीज वहां पे लिख लो कि वो इंट्रा है, ये समझ में आया? ठीक है, उसके बाद में थर्ड, फैब्रिक्स बेचा ना, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ फैब्रिक्स, कितना? 1,50,000, कैसे आया आपका? 500 × 300, 3750, 3750, 4,
फिर क्या है? इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर। ऑफशोर टू ओन ब्रांच। ओन ब्रांच यहां पे कितना आ रहा है? 6 लाख आ रहा है ना? 6 लाख 2000 जो हमने स्टॉक ट्रांसफर किया उसकी वैल्यू क्या है? 2000 पर शर्ट इंटू 300। इस पे कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी लगेगा। और लास्ट फिफ्थ इंट्रास्टेट स्टॉक ट्रांसफर ऑफशोर इन सेम स्टेट। सेम स्टेट डैश 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 डैश। ये समझा क्या? क्यों डैश डैश? चलो निकाल लो, टोटल कर लो। तो वैल्यू की टोटल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जीएसटी की टोटल करो। टोटल जीएसटी पेएबल लिख रहा हूं, वैल्यू की टोटल करने की जरूरत नहीं। जीएसटी पेएबल कितना आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है 1,08,000। दूसरा कितना आ रहा है? 2,78,750। और तीसरा 2,78,750। डायरेक्ट ये टैक्स पेबल रहेगा। अच्छा, इसको अब टैग कर देते हैं। इसको टैग कर देते हैं नोट वन। इसको क्या टैग? नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। नोट वन, इसको भी नोट वन, इसको भी नोट वन कर दो। हाँ, इसको नोट टू कर देना और इसको नोट थ्री कर देना। अगर मैं पेपर चेक करूँ तो मैं प्रॉब्लम से ज़्यादा आपकी नोट्स देखूँगा, कॉन्सेप्ट कितना आपको समझा है। ठीक है, मैं नोट्स तो हम लिखते हैं। मुझे बताओ, प्रॉब्लम नंबर 10 हमने जो सॉल्व किया और प्रॉब्लम नंबर 11, इन दोनों के फॉर्मेटिंग में क्या डिफरेंस है? देखो, इन दोनों के फॉर्मेटिंग में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है कि वहां पे अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हो तो हर एक्टिविटी अलग अलग रेट्स पे नहीं है, है ना? सारी एक्टिविटीज एक ही रेट पे। समझ में आया क्या? तो 11 नंबर में क्या चेंज है? नहीं नहीं, ये सभी ध्यान दो, वो कॉर्नर से वो कॉर्नर। तो ऑनलाइन के स्टूडेंट स्टॉप राइटिंग, पहले ये समझो, क्योंकि आगे फॉर्मेटिंग क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नहीं तो बहुत सी बार आंसर लिखते वक्त ये नहीं समझ में कहां से स्टार्ट करें, कैसा फॉर्मेट बनाए। अरे है ना, तो ये डिफरेंस समझ लो, पूरे ध्यान से समझ लो। अगर आप पहला वाला फॉर्मेट देखते हो तो पहले वाले फॉर्मेट में सारी एक्टिविटी सिंगल रेट पे थी। तो यहां पे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी के अलग अलग कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ओके, क्यों? क्योंकि सब सारी एक्टिविटी अगर सिंगल रेट पे है तो सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं और वैल्यू पे जीएसटी निकाल लेते हैं। अरे है ना, तो ये फॉर्मेटिंग ज्यादा बेटर है। पर सेकंड वाली फॉर्मेटिंग में मैंने क्यों ये कॉलम्स ऐड किए? मैंने टैक्सेबल वैल्यू भी लिया, आईजीएसटी भी लिया, सीजीएसटी एसजीएसटी, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं प्रॉब्लम पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि यहां पे इंट्रा भी है, इंटर भी है, प्लस अलग अलग रेट्स भी है। समझ में आया क्या? तो मुझे हर एक्टिविटी का सेपरेट जीएसटी निकालना जरूरी है। तो जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगा इसके आगे, तो प्रॉब्लम का नेचर देखना। अगर सारी एक्टिविटीज एक ही रेट पे है तो फिर टैक्सेबल वैल्यू टोटल और नीचे जीएसटी,
अरे है ना। और अगर एक्टिविटीज यहाँ अलग अलग हो रही है, इंट्रा हो रही है, इंटर हो रही है, रेट्स भी अलग है, तो फिर ये फॉर्मेट यूज करना। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो चलिए यहां पे राइट डाउन नोट्स। हाँ, आईटीसी उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने हाँ उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, डिटरमाइन जीएसटी लायबिलिटी। हाँ लेकिन अभी एक मिनट, आईटीसी बराबर है, अगर वो नेट जीएसटी लायबिलिटी अगर हम निकाले, ये टोटल जीएसटी लायबिलिटी है, चलो आईटीसी भी ले ले, तो लेस क्या आएगा बेटा? हाँ, उसका रेट दिया नहीं है मैं, इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है एक तरह का, मैंने क्या किया सुनो, आईटीसी का अभी हम नो डाउट सी वो थ्योरेटिकली समझ लो। ओके, यहाँ पे आपने 5000 मीटर्स ऑफ फैब्रिक्स खरीदा, तो उसका आपको क्या मिलेगा? आईटीसी, थ्योरेटिकली समझ लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट ये था कि आउटवर्ड टैक्स कैसे निकाले। आई रिपीट द वर्ड क्या, और ये मैंने बनाए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये मैंने सारे एडजस्टमेंट एक्सट्रैक्ट किए एग्जाम के क्वेश्चंस है। अरे समझ में आया क्या? और एक बनाया हुआ क्वेश्चन है कि जिसपे ऊपर फोकस है क्या, आउटवर्ड टैक्स। इसलिए बेटर वे अभी आईटीसी पिक्चर में नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। ओके, और क्वेश्चन में लिखेंगे डिटरमाइन आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी। क्या कहा मैंने, यहाँ एक वर्ड डाल दो, आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी, सिर्फ आउटवर्ड निकाल के बताओ, यहाँ एक वर्ड डाल दो, आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी। देन आईटीसी मिलेगा, मिलेगा, पर आईटीसी का रेट नहीं दिया है, जीएसटी रेट नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। ओके, तो इस पे बेटर वे यहाँ पे लिख दो कि डिटरमाइन आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी। चलो, तो नोट्स लिखो यहाँ पे, नोट्स लिखो। नोट वन, आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी हमने निकाला। लिखो, गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हेंस सेल ऑफ शर्ट वेस्ट एंड रॉ मटेरियल फैब्रिक्स, फैब्रिक्स आर लायबल टू जीएसटी, लायबल टू जीएसटी। सेकेंड प्रॉपरली, सेकेंड हम लिखेंगे कि अगर पहला पॉइंट लिखेंगे, अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, अरे है ना, तो वो डीडीपी कहा जाए। उसके भी पहले अगर हो सके तो ये पॉइंट लिखना कि इफ एनी बिजनेस प्लेस इन अदर स्टेट दे नीड टू टेक अ क्या, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, एज पर सेक्शन 25 स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस। ये वर्ड समझा क्या, फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस? क्यों मैं क्यों लिखवा रहा हूं फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस? क्योंकि अगर तुम्हारा दिल्ली में जस्ट ऑफिस है और वहां से कोई सप्लाई नहीं होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस, अंडर सेक्शन 25(4) अगर याद आए तो, टू सेपरेट रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट
सेपरेट रजिस्टर एस्टेब्लिशमेंट आर ट्रीटेड एज, क्या बोला जाता है पूरा लिखो, डीम डिस्टिंग पर्सन, हेंस एज पर सेक्शन 7(1)(c) पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन, बिटवीन DDP इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड लायबल टू, क्या बेटा, लायबल टू GST। ये देखना चाहता है जो आपका पेपर चेकर है कि आप लिखते कैसे हो आपके कॉन्सेप्ट को। और थर्ड क्या होगा, थर्ड नोट क्या है, ओन ब्रांच है ना, ओके, ट्रांसफर ऑफ 100 shirts by XYZ Limited to its another branch within the same state under single registration is not treated as supply, not treated as supply and no GST is payable. और आपको लिखना होगा तो लिख सकते हो, such transfer is under tax invoice या चालान, लिखना हो तो लिख सकते हो, such transfer is under stock transfer चालान, स्टॉक ट्रांसफर चालान, डन 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 डन, ओके चलो, हाँ देता हूँ देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा पीछे आ जाओ, ये एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर थोड़ा बाद में लेते हैं, ओके, क्योंकि इसके लिए और थोड़े कॉन्सेप्ट आपके डेवलप होना जरूरी है तो हम बाद में लेंगे। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में। अच्छा, तो अगर हम देखेंगे तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज, क्या बेटा, सेल ट्रांसफर, एक बार फिर से, ये जो सेल ट्रांसफर वगैरह लिखा है ये जस्ट एग्जांपल है या एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एग्जांपल है। तो गवर्नमेंट ने एक सवाल आता है, सर क्या GST में सेल वगैरह डिफाइंड है? नहीं, बाय एक्ट ये वर्ड्स डिफाइंड नहीं है। What do you mean by sale? What do you mean by transfer, barter? By act defined नहीं है, कि गवर्नमेंट का कहना है कि डिफाइन करके भी करे क्या, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या दिया हमने, एग्जाम्पल, जो जनरल मीनिंग है वो ले लो, ओके, हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिए, हमने तो पहले ही बोल दिया ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, और ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई पे क्या आएगा बेटा, GST आएगा। तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए,
तो एक जनरल मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि एक्ट के मीनिंग नहीं है, जस्ट एक जनरल मीनिंग है, कीप इन प्रायोरिटी भी, ये टेबल लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न, लिख दो वहां पे, ओके, कुछ भी चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा बच्चों, सेल क्या होता है? अरे बोलो ना, सेल क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जनरल मीनिंग बताओ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी टू अनादर पर्सन, उसको क्या बोला जाता है? सेल। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोजिशन और कंट्रोल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर। मैं देखना चाहूंगा कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें हम गुड्स का पोजिशन दे देते हैं, ओनरशिप नहीं देते हैं, पर पैसा लेते हैं। प्लीज नहीं, क्या मैं ये कहूंगा हायर परचेस? अरे है ना, हायर परचेस में है, कमन, हायर परचेस में जब हम गुड्स दे रहे हैं कि ओनरशिप दे रहे हैं या सिर्फ पोजीशन दे रहे हैं? ओनरशिप कब जाती है? लास्ट इंस्टॉलमेंट। हायर परचेस पर भी जीएसटी आता है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आया क्या? तो ये ट्रांसफर एग्जाम्पल लिख दो, हायर परचेस। हायर परचेस में अगर आपने माल बेचा तो उस पर भी जीएसटी आएगा, उस पर भी जीएसटी आएगा। बार्टर, बार्टर और क्या एक्सचेंज, वैसे दोनों भी अगर कॉमनली देखा जाए तो सेम है, बार्टर या एक्सचेंज। अगर थिन लाइन डिफरेंस कहूं तो बार्टर में ऐसा होता है कैश एलिमेंट नहीं होता है, मतलब मैं तुझे बाइक दूंगा, तू मुझे क्या दे? कार दे, बस कोई कैश नहीं, बाइक ले ले, कार दे दे, इसको क्या कहते हैं बेटा? बार्टर। ओके, तो अगर यहां पे एसआरके ने सलमान खान को बाइक दी और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने क्या कहा? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दी, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा? हाँ। और उसने कार दी तो उस पर भी जीएसटी आएगा, दोनों एक मेक को जीएसटी लगाएंगे। वो बात अलग है कि इसके जीएसटी का क्रेडिट वो ले लेगा, उसके जीएसटी का क्रेडिट ये ले लेगा, अगर बी टू बी होगा। आई रिपीट द वर्ड, अगर बी टू बी होगा। ये समझ में आया क्या? जनरली मेरा एक क्लाइंट है सेकेंड हैंड कार लेता बेचता है, तो मेरा एक क्लाइंट जो सेकेंड हैंड कार लेता बेचता है, तो उसके पास बहुत सी बार कस्टमर ऐसे आते हैं कि वो अपनी कार दे के जाते हैं, अरे है ना, और सेकेंड हैंड दूसरी कार ले लेता है उतनी वैल्यू की, तो वो बार्टर ट्रांजेक्शन हो जाता है। पर अगर दोनों इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, आई रिपीट, दोनों इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, तो दोनों एक मेक पे जीएसटी लगाएंगे। तो ये बार्टर। एक्सचेंज में क्या होता है? एक्सचेंज, ओके, इससे रिलेटेड और आगे केस स्टडीज आएगी, थोड़ा वेट करना, आगे केस स्टडीज आएगी, बार्टर की आएगी, क्वेश्चनर में क्वेश्चंस भी है, और क्लैरिटी मिलेगी आपको। एक्सचेंज में क्या होता है? एक्सचेंज में समझ लो आपने पुराना मोबाइल दिया और इसने न्यू मोबाइल, यहाँ ओल्ड मोबाइल और ये न्यू मोबाइल, लेकिन बताओ ये जब नया मोबाइल बेचता है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेता है? हाँ, तो ज्वेलरी ले लो कि भाई आप ज्वेलरी देके, ओके, उसने पुरानी ज्वेलरी ले ली, उसने नहीं दी, तो वो अपने पुराना प्लस कुछ कैश लेगा। तो ये जो एक्सचेंज में जनरली कैश एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, क्या? कैश एलिमेंट, कैश एलिमेंट होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज? बार्टर में प्योरली गुड्स टू गुड्स, सर्विस टू सर्विस, एक्सचेंज में पार्टली कुछ पैसा भी इन्वॉल्व होता है। ओके, सारा बताऊंगा इसका असेसमेंट कैसा होता है, किस तरह से वैल्यू निकाली जाती है, किस तरह से इनवॉइस बनाया जाता है, किस तरह से जीएसटी। अभी सिर्फ तुम सप्लाई का मतलब समझ लो, आगे आगे मैं सारी चीजें क्वांटिफाई भी करूंगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो नेक्स्ट। लाइसेंस, लाइसेंस मतलब परमिशन। अच्छा, ये सारे जो वर्ड्स है सिर्फ गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में मत सोचना, ये वर्ड सर्विस के भी कॉन्टेक्स्ट में सोचना। अरे यस और नो, कुछ वर्ड सर्विस को कनेक्ट करते हैं, जैसे लाइसेंस, लाइसेंस ये गुड्स नहीं, लाइसेंस ये क्या? सर्विस है। ओके, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस दिए गए, ओके, टैली के लाइसेंस दिए गए यूज करने के, टैली बेचा नहीं जाता है, टैली यूज करने के लाइसेंस दिए जाते हैं। ये समझ में आया क्या? तो वो लाइसेंस फीस मिल रही है। ओके, आपको मैंने, ओके, यहां पे जैसे आपको जो इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर मैंने दिया, तो वो इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर की लाइसेंस फीस मैं पे कर रहा हूं। अरे यस और नो, तो वो सर्विस है। तो लाइसेंस मतलब परमिशन दिया गया टू यूज
एनी सॉफ्टवेयर टू यूज एनी गुड्स उसको लाइसेंस कहते हैं. लीज, लीज मतलब आपने इक्विपमेंट लीज पर दिया वो ओके. सर्विस है, रेंटल, रेंटल भी सर्विस है ओके. रेंटल ऑफ गुड्स और रेंटिंग ऑफ समथिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो. एंड डिस्पोजल, डिस्पोजल में सेल, प्लेज, गिविंग अवे, यूज, कंजम्पशन, एनी अदर टाइप का डिस्पोजल. क्यों ना वेस्ट का डिस्पोजल हो. आई रिपीट, क्या कहा मैंने? वेस्ट का डिस्पोजल हो फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. वो वर्ड्स बिल्कुल अटैच ही रखना. एवरीथिंग, ऑल दिस ट्रांजेक्शन फॉर कंसिडरेशन, अरे है ना, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको जीएसटी लगाया जाएगा. चलिए दोस्तों, ये याद वगैरह रखने की कोई भी जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है. अभी एक लेते हम छोटा सा ब्रेक, आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद. ठीक है सर, अगर कोई करेंसी नोट ऑक्शन के लिए सेल करी बिकॉज उसका नंबर यूनिक तो है, तो जीएसटी आएगा ना? हाँ नहीं, करेंसी अगर चलन वाली करेंसी होगी, करंट चलन में करेंसी होगी, तो उसका जीएसटी जो है, अगेन वो करेंसी ट्रांजेक्शन इन करेंसी ही बोला जाएगा, तो जीएसटी नहीं आएगा. सर एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड्स प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड मनी. हाँ, एक्शनेबल क्लेम दोनों में भी आता है, मनी में भी लिया है और प्रॉमिसरी नोट एक्शनेबल क्लेम में भी लिया है. पवन रुक जाओ, 0. ये मैं सब आपको आगे बताऊंगा, ये क्या होते हैं, कोडिंग नंबर वगैरह. चलिए एक ब्रेक लेते हैं और फिर आगे का डिस्कशन ब्रेक के बात करेंगे. ये ब्रेक बेटा 15 मिनट्स का होगा.
वेल दोस्तों, तो चलिए फिर से रिज्वाइन होते हैं। आर यू रेडी? आ गए ब्रेकफास्ट वेस्ट करके? हाँ या ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 देखो। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 देखेंगे। चलो फटाफट यहाँ कनेक्ट हो जाओ। मिस्टर ए सोल्ड हिज बिल्डिंग फॉर रुपीज 80 लाख टू मिस्टर बी। ये मुझे बताओ, बिल्डिंग सेल किया तो क्या होगा? नहीं आएगा जीएसटी। क्यों? इट्स नॉट अ गुड्स, इट्स नॉट अ सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर सच सेल ही हैड अपॉइंटेड ब्रोकर मिस्टर सी टू हूम ब्रोकरेज 2 लाख वॉज पेड। से बिल्डिंग पे नहीं आएगा, पर ब्रोकरेज इज अ सर्विस, यस और नो? डिटरमाइन जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर सी इफ एनी। चलो आंसर लिखते हैं। लिखो लीगल प्रोविजन P12, प्रैक्टिस क्वेश्चन 12, लीगल प्रोविजन उसमें 1, एज पर सेक्शन 71A सप्लाई includes includes all form of supply of goods or services made or agreed to be made for consideration आगे क्या लिखो? In the course of business, in the course of business, in the course of business. As per section 2, goods means, sub clause लिखने की जरूरत नहीं है, section 2 भी लिख दिया तो चलेगा। Goods means any kind of movable property, underline the word movable property, underline the word movable property, therefore no GST is payable on immovable property, immovable property पे GST नहीं आएगा। और थर्ड, as per section 2, service means anything other than goods, अगर आप आंसर प्रेजेंटेशन में देखते हो तो मैंने जो रिक्वायर्ड बातें थी वही कवर की। मैंने पूरी कोई डेफिनेशन गुड्स की कवर नहीं की। मुझे क्या चाहिए केस स्टडी में? मुझे सिर्फ ये पेपर चेकर का फोकस लाना है कि भाई गुड्स में मूवेबल ही आता है, इमूवेबल नहीं आता। मैं बाकी का फालतू क्यों लिखूं? गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, उसके ऊपर तो क्वेश्चन भी नहीं है। ये चीजें ज्यादा से ज्यादा डेवलप करो डीटी आईडीटी लॉ में, क्या रिक्वायर्ड है और उतना स्पेसिफिक पॉइंट।
अरे ये सर नो सर्विस, सर्विस की डेफिनेशन इतनी बड़ी कौन लिखेगा? मुझे इतना ही कहना है, प्रॉब्लम देखने के बाद मुझे ये बताना है कि ब्रोकरेज सर्विस है, ब्रोकरेज सर्विस है तो उसके रिलेटेड सिर्फ रिलेवेंट पॉइंट क्या है कि सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, बस मिल गए पॉइंट्स, इसके बेस पर मैं आंसर दूंगा। जिस दिन आपकी ये टेक्निक डेवलप हो जाएगी, समझ लो ये कोर्स CA CMA ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है इससे इससे आसान कुछ नहीं है, बस इसमें एक टेक्निक डेवलप करना पड़ता है कि लिखना क्या है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ऐसे केस में नीचे लिखो डिस्कशन एंड कंक्लूजन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। पहला, तो पहला का आंसर क्या दूं आप, जो ट्रांजेक्शन A to B हुआ उसका आंसर क्या दूं, GST आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं, अब फिर से एक्सप्लेन मत करना क्योंकि तुमने लॉ लिख दिया है, अब डायरेक्ट कंक्लूड करना। अरे है ना, तो यहां पे देखो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी, इट इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, हेंस नो GST इज पेएबल। No GST is payable. Then, second, brokerage charges charge by Mr. C on sale of immovable property, sale of immovable property। अच्छा, ब्रोकरेज चार्जेस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, क्या ये सर्विस है? सर्विस, तो लिखो इट इज ट्रीटेड एज सर्विस एंड लायबल टू GST, इसके ऊपर GST आ जाएगा। चल, डन, ये समझ में आया आपको? ये सारे, वैसे तो मैं आपको आंसर में यस नो लिखवा देता हूँ, लिखवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से लीगल प्रोविजन प्रेजेंट की जाती है, कितना रिलेवेंट लिखा जाता है, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये केस स्टडी में फोकस था गुड्स पे, ये केस स्टडी में फोकस था सर्विस पे, हमने पूरा डिस्कशन गुड्स और सर्विस पे किया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे, यहाँ पे मीनिंग ऑफ मेड और एग्रीड टू बी मेड। तो यहाँ चलो वो चार्ट पे आओ जहाँ हमने सेक्शन 7 का चार्ट बनाया था, कौन से पेज नंबर पे वो सेक्शन 7 का बनाया था, ये पेज नंबर लर्न करना, कौन सा बार बार आना पड़ेगा, पेज नंबर 46, ठीक है, जो भी आपका पेज नंबर होगा। तो उस पेज पे आ गए सभी लोग? अच्छा, तो हम कौन से सेक्शन में अभी फिलहाल एक एक वर्ड देख रहे हैं, हम कौन से सेक्शन में है? सप्लाई। अरे ये सुनो, सप्लाई में 7-1 में ए में है, किस में है? 7-1 ए में है। हमने ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का डेफिनेशन देख लिया, अरे है ना, सर्विस का डेफिनेशन देख लिया, सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर, इसके जनरल मीनिंग देख लिए। अब उसके बाद में दूसरा वर्ड है मेड और अग्रीड टू बी मेड,
तो चलो उसको भी देख लेते हैं। ओके, मैं उसका एक एक वर्ड आपको सिखा रहा हूँ। ओके, सेक्शन 7 का। तो चलो, मेड और अग्रीड टू बी मेड। सर, व्हाट डू यू मीन बाय मेड और अग्रीड टू बी मेड? आ जाओ वापस इस पेज पे आ जाओ, पर वो पेज फोल्ड ही करके रखना, बार बार जाना पड़ेगा वहां पे। ओके, क्योंकि मैं कनेक्ट करते रहूंगा। तो यहाँ, गुड्स आर ऑलरेडी डिलीवर्ड और सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइडेड और पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर दैट। मेड मतलब क्या, समझ लो आप सप्लायर हो और ये बायर है, ठीक है? फिर से कहता हूँ, स्क्रिबल करना अच्छी बात है, करोगे तो अटेंटिव रहोगे, ठीक है? जो भी मैं लिखता हूँ मेरे साथ स्क्रिबल करना, अटेंटिवनेस आपके बढ़ाता है। पर वो स्क्रिबल मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए ज़रूरी है चार्ट्स और दूसरा हमारे क्वेश्चन है। ये समझ में आया क्या? हाँ। तो अब यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई मेड? सप्लाई मेड यानी क्या? सप्लाई मेड मतलब आपका जो गुड्स रेडी हुआ फैक्ट्री पे, ट्रक में लोड हुआ और आपने वो गुड्स जो है कस्टमर को क्या कर दिया, डिलीवर्ड कर दिया। ये समझ में आया क्या? कस्टमर को सप्लाई मेड, आई रिपीट, सप्लाई मेड, जिसका पेमेंट बाद में आया, आई रिपीट, जिसका पेमेंट, पहले सप्लाई हो गया, इनवॉइस बन गया। ओके, इनवॉइस के साथ गुड्स निकल गया, गुड्स कस्टमर तक पहुंच गया, उसके बाद में मुझे क्या आया, पेमेंट। तो सप्लाई मेड एंड पेमेंट रिसीव्ड। सर्विसेस मतलब क्या? सर्विसेस मतलब सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस में, ओके, जनरली सर्विसेस इनटेंजिबल होती है। आई रिपीट द वर्ड, सर्विसेस क्या, इनटेंजिबल। जैसा मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, इसमें गुड्स दिखेगा कुछ नहीं पर इनटेंजिबल है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो सर्विस में रिसिपिएंट, तो सर्विस में वर्ड होता है, गुड्स में वर्ड होता है डिलीवर्ड। आई रिपीट द वर्ड, गुड्स में वर्ड क्या होता है, डिलीवर्ड, और सर्विस में होता है सर्विस प्रोवाइडेड या सर्विस रेंडर्ड। ओके, यानी सर्विस वर्ड होता है सर्विस प्रोवाइडेड या फिर वर्ड होता है क्या, सर्विस रेंडर्ड। ये दो वर्ड यूज किए जाते हैं सर्विस में। तो आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, आपने सर्विस रेंडर कर दी, मतलब आपने सर्विस दे दी। ओके, और उसके बाद में पेमेंट आया, तो इसको कहते हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस मेड। आपने सर्विस कंप्लीट कर दी, व्हेन यू प्रोवाइड द सर्विस, व्हेन यू रेंडर द सर्विस। ओके, अब आते हैं अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड यानी क्या? अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, इस वर्ड पे आते हैं। मतलब क्या, समझ लो आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो और आपने, आप ओके, गुड्स डिलीवर्ड किया, सुनना, गुड्स सप्लाई किया और गुड्स सप्लाई किया यहाँ पे 10th of October को, 10th of October को आपने सप्लाई किया, ठीक है? और आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट पहले ही कर दिया था, पेमेंट एडवांस में आ गया, इसको हम नाम क्या देते हैं, एडवांस पेमेंट। ओके, पेमेंट एडवांस में आ गया था। अगर पेमेंट एडवांस में आ गया तो आपने बताओ सप्लाई मेड है या अग्रीड टू बी मेड है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेड और अग्रीड टू बी मेड? मेड में पेमेंट बाद में आता है, मेड में पेमेंट बाद में आता है, पर अग्रीड टू बी मेड में पेमेंट एडवांस में आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो आपको एडवांस में पेमेंट आ गया, तो ये इवेंट को बोला जाएगा अग्रीड टू बी क्या, मेड। शायद मुझे याद नहीं आ रहा, पर कल मैंने बताया था कि मुझे फीस जुलाई में आ गई, ऐसा कुछ याद आया ना, बताया ना? और मैंने सर्विस कौन से मंथ में दे रहा हूँ, अक्टूबर में, तो मैं अग्री कर लिया था जुलाई में, यस और नो? तो ऐसे केस में अगर आपको एडवांस में पैसा आता है तो ये भी सप्लाई माना जाएगा और उसका GST जितना एडवांस मिला, बोलो मेरे साथ, जितना, जितना एडवांस मिला, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट एडवांस आपको GST देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इन शॉर्ट वो क्या कहते हैं, अग्रीड टू बी मेड, देर इज एन एग्रीमेंट फॉर सप्लाई, ओके, एंड लिख देना यहाँ पे और की जगह, एंड एडवांस हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट द सप्लाई। ओके, एग्रीमेंट हुआ है और ये हाईलाइट कर देना वर्ड क्या, एडवांस, और वो एडवांस पे आपको एडवांस मिल गया, वो होता है अग्रीड टू बी मेड। अब दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं एक आपको केस स्टडी बताना चाहूँगा और कुछ GST में क्या डिसीजंस हुए ये भी बताना चाहूँगा। अब देखो, गवर्नमेंट ने सेक्शन 7 में ये क्लियर कह दिया कि अगर इंडिया में किसी को अपने गुड्स के अगेंस्ट में, अपने सर्विस के अगेंस्ट में क्या मिलता है, एडवांस, तो
उसी मंथ में जीएसटी देना पड़ेगा जिस मंथ में क्या आएगा एडवांस, और वो उसका एडवांस का आपको जीएसटी इनवॉइस बताना पड़ेगा। ओके, और वो GSTR1 में भी बताना पड़ेगा। अरे ये क्या होता है GSTR1? व्हाट इज GSTR1? स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। GSTR3 भी आपका रिटर्न। व्हाट इज द डेट ऑफ GSTR1? 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और व्हाट इज द डेट ऑफ GSTR3B? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। समझ में आए क्या? तो वो एडवांस GSTR1 में भी बताना पड़ेगा और 3B में उसका टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? लेकिन अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। ओके, 1st जुलाई, यहां पे 1st जुलाई 2017 को इंडिया में GST लाया गया और इसके आगे एडवांस पे GST लगाया गया। इसके पहले पुराने लॉ थे, बताओ कौन से पुराने लॉ थे? एक्साइज, वैट, CST और सर्विस टैक्स। एक्साइज, वैट, CST और सर्विस टैक्स। अब पुराने लॉ में जो है, सुनो, पुराने लॉ में यहां पे एडवांस पे टैक्सेस स्पेशली गुड्स के लिए, आई रिपीट द वर्ड, स्पेशली क्या? गुड्स के लिए एडवांस पे टैक्सेस नहीं थे। यानी अगर मैं 2017 के पहले जाऊं तो कोई अगर यहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और सेल कर रहा है तो इनको टैक्स तब देना पड़ता था जब ये गुड्स देंगे। एडवांस मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं था। टैक्स कलेक्शन का इवेंट था डिलीवरी ऑफ गुड्स, आई होप यू अंडरस्टूड, या सेल ऑफ गुड्स। तो लोगों ने 1950 से लेके, आई रिपीट द वर्ड, क्या कहा मैंने, 1950 से लेके 2017 तक एडवांस पे कभी टैक्स दिया ही नहीं। उन्होंने टैक्स तभी दिया जब क्या बन रहा है, इनवॉइस पे। तो लोगों को आदत थी नहीं। अच्छा, जब इंडिया में सर्विस टैक्स लॉ गया तो सर्विस टैक्स में, सुनना, सर्विस टैक्स में एडवांस पर भी टैक्स लगता था। अरे हाँ, है ना, सर्विस टैक्स में था कि एडवांस मिलेगा तो टैक्स लगेगा, पर गुड सेक्टर में नहीं था। अब देखो, 1 जुलाई 2017 को प्रपोज किया गया कि वी आर गोइंग टू लेवी GST ऑन गुड्स और सर्विसेज मेड और अग्रीड टू बी मेड। मतलब अगर अब गुड्स का भी एडवांस मिलेगा तो GST आएगा और सर्विस का भी एडवांस मिलेगा तो क्या आएगा, GST आएगा। और ये पुराने लॉ हटा दिए गए। अरे यस और नो? तो अब यहां पे स्पेशली जो गुड्स की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, गुड्स की इंडस्ट्री दो होती है, कौन सी, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स। तो ये जो गुड्स की इंडस्ट्री थी, इनमें नाराजगी होगी कि ये एडवांस पे GST क्यों भाई? हम बहुत सी बार एडवांस इसलिए लेते हैं कि जस्ट टू सिक्योर आवर दिस ऑर्डर। अरे आया ना? ओके, कोई एडवांस दे रहा है, हम एडवांस हमारी सिक्योरिटी के लिए लेते हैं, उस पर GST क्यों? जब इनवॉइस बनेगा, जब गुड्स डिलीवर्ड होगा तब GST लगाओ। पुराने लॉ कितने अच्छे थे, उसके ऊपर एडवांस पे टैक्स आता ही नहीं था। और अब आप 1 जुलाई 2017 से GST ला रहे हो और हमारे पे बर्डन डाल रहे हो कि एडवांस मिलेगा तो GST देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में गलत है, गवर्नमेंट नहीं माना, गवर्नमेंट कहा कि नहीं, अब ये यूनिफाइड कोड है और ये यूनिफाइड कोड अलग अलग नहीं चल सकता। जो गुड्स के लिए होगा वो सर्विस के लिए होगा, या जो सर्विस के लिए होगा वो गुड्स के लिए होगा। ये समझ में आया क्या? तो गवर्नमेंट नहीं माना, इंडस्ट्री इसके फेवर में नहीं थी। इंडस्ट्री का कहना था क्योंकि आदत लग चुकी थी और आदत बदलती नहीं है, तेरी आदत नहीं छूटती। अरे आया ना? तो नहीं, हम एडवांस पे टैक्स नहीं देंगे। ओके, एडवांस हमारी सिक्योरिटी होता है। ओके, तो ऐसे केस में टैक्स तभी देंगे जब हम इनवॉइस बनाएंगे। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे गवर्नमेंट 3 महीने नहीं माना, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, अक्टूबर में कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि आगे आपको बताता हूं, 2017 में गुजरात के इलेक्शन आने वाले थे। अरे समझ में आए क्या? गुजरात के इलेक्शन आने वाले थे और मोदी जी को कोई भी हालत में गुजरात चाहिए था। अब गुजरात के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने एक कंडीशन ही रखी थी अरुण जेटली जी के सामने, तब फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने कंडीशन ही रख दी, अगर आपने ये एडवांस वाला क्लॉज नहीं हटाया, समझ में आया क्या, एडवांस वाला क्लॉज नहीं हटाया तो देख लेना आगे इलेक्शन है, पूरी व्यापारी कम्युनिटी, अरे है ना, फंडिंग तो छोड़ो, सपोर्ट भी नहीं करेगी।
और सारे जो गुड्स के ट्रेडर्स है मैन्युफैक्चर सब एक हो गए और पूरे इंडिया में माहौल, क्योंकि यहां पे पूरा माहौल कर दिया कि भाई जीएसटी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, ऐसा लॉ है, टैक्स पे लगाता है, ओके एडवांस पे टैक्स लगाता है, ओके, और जीएसटी की निगेटिविटी चालू कर दी। मोदी जी ने अरुण जेटली जी को बुलाया, अरे है ना, कुछ हो सकता है, अरे समझा नहीं समझे, कुछ हो सकता है। अरुण जेटली जी ने कहा नहीं नहीं अपने को तो एडवांस पे टैक्स कलेक्ट करना है, हाँ लेकिन अभी इलेक्शन है, ओके अभी का कुछ हो सकता है। तो फिर रियली यहाँ इतना प्रेशराइज किया गया, तो उन्होंने क्या किया, एक नोटिफिकेशन इशू किया। मैंने क्या कहा, और ये नोटिफिकेशन नंबर लर्न करना है, वो है 66 बाय 2017, मतलब 2017 का 66 नंबर का नोटिफिकेशन। और उसमें कहा, उसमें क्या कहा कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, आई रिपीट क्या कहा मैंने, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और उसका एडवांस मिलता है तो जीएसटी टैक्स इज सस्पेंडेड एंड जीएसटी इज पेबल ओनली ऑन द डेट व्हेन इनवॉइस इज इश्यूड। ये समझ में आया क्या, इन शॉर्ट ओके, मतलब गुड्स के सप्लाई के केस में एडवांस पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, टैक्स कब लगाया जाएगा, जब उसका इनवॉइस बनाया जाएगा, जब गुड्स दिया जाएगा, जब उसका इनवॉइस बनाया जाएगा तभी टैक्स देंगे, एडवांस पे टैक्स नहीं लगा। पर ये जो बेनिफिट दिया वो सिर्फ किसको दिया, वो सिर्फ किसको दिया, गुड्स पे, सर्विस पे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया सर्विस पे, क्योंकि सर्विस पे पहले से आदत थी एडवांस पे टैक्स देने की, अंडर सर्विस टैक्स भी था। तो ये नोटिफिकेशन इशू हुआ और इस तरह से यहां पे इंडस्ट्री की बात मानी गई, ओके, और ये नोटिफिकेशन से यहां पे गुड्स के एडवांस पे जीएसटी सस्पेंड किया गया। और उसका जीएसटी जो है कब आएगा, जब उसका आप गुड्स के डिलीवरी पे क्या बनाओगे, इनवॉइस, तभी जीएसटी देना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो प्रोविजन थी, यहां पे ये प्रोविजन मैंने आपको बताई, बट ओनली गुड्स को अप्लीकेबल रहेगी। तो अगर आप ऊपर आते हैं तो देखो, इवन दो एज पर टर्म ओके अग्रीड टू बी मेड, अच्छा मुझे बताओ एक्ट से अग्रीड टू बी मेड निकाल दिया गया या बाय नोटिफिकेशन टेम्पररी बेनिफिट दिया गया, टेम्पररी बेनिफिट दिया गया। मोदी जी ने इतने कहा कि इलेक्शन होने दो, अरे है ना, फिर देखते हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशन आज भी चल रहा है। आज कौन सा ईयर है, ओके 2024-25 में अभी भी ये नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं हुआ है, विड्रॉ नहीं हुआ है। तो चलो फिर ओके, तो लॉ क्या कहता है देखो, इवन दो एज पर टर्म अग्रीड टू बी मेड जीएसटी इज लेवियबल ऑन एडवांस रिसीव्ड, अंडरलाइन द वर्ड क्या बेटा, एडवांस रिसीव्ड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बट फॉलोइंग आर द अमेंडमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ये नोटिफिकेशन नंबर हाईलाइट करना, 66 बाय 2017, सप्लाई ऑफ गुड्स, और सप्लाई ऑफ गुड्स में जीएसटी पेबल ओनली ऑन क्या बेटा, एक मिनट, गुड्स में एडवांस बेसिस पे या इनवॉइस बेसिस पे, इनवॉइस, दैट मींस पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन एडवांस बेसिस क्या बेटा, सस्पेंडेड, जिसका और डिटेल डिस्कशन हम एक चैप्टर में देखेंगे, और चैप्टर नंबर है कौन सा, टाइम ऑफ सप्लाई में हम देखेंगे। लेकिन ये सिर्फ बेनिफिट किसको दिया गया, गुड्स को, मतलब अगर आपकी सर्विस है, क्या बेटा, सर्विस है, तो जीएसटी इज पेएबल ऑन एडवांस और इनवॉइस व्हिच एवर इज अर्लियर, एडवांस पे भी जीएसटी आएगा। समझ में आए क्या, तो चलिए एक यहां पे नीचे प्रॉब्लम P13 देखते हैं। P13 क्या कहता है देखो, मिस्टर सुरेश ऑफ राजस्थान सप्लाइड गुड्स एंड इश्यू द इनवॉइस इन द मंथ ऑफ क्या, दिसंबर। कौन सा सप्लाई, गुड्स का या सर्विस का, गुड्स का सप्लाई, एसओजी लिख दो यहां पे, मंथ ऑफ दिसंबर 20XX फॉर रुपीज 20,000 टू मिस्टर रमेश ऑफ राजस्थान, इंटर है या इंट्रा है, इंट्रा है, राजस्थान टू राजस्थान है। मिस्टर सुरेश हैज रिसीव्ड एडवांस ऑफ 10,000 इन द मंथ ऑफ सितंबर, गुड्स का एडवांस मिला, और कब मिला, सितंबर में, एसजीएसटी सीजीएसटी रेट 9%, ठीक है, एक मिनट, गुड्स का इनवॉइस बना दिसंबर में, देखो गुड्स का इनवॉइस बना दिसंबर में, एडवांस कब मिला, सितंबर में, तो जीएसटी कौन से मंथ में पे होगा, सितंबर, दिसंबर,
अरे पागल हो गया, अग्रीड टू बी मेड लिखा है ना, लिखा होगा। पर गुड्स के केस में एक नोटिफिकेशन, कौन सा नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 कहता है एडवांस पे नहीं। अच्छा फिर दिसंबर में जो टैक्स आएगा वो कितने वैल्यू पे आएगा, 20,000 पूरे पे आएगा ना, 20,000। बस जो एडवांस पे देना था वो इनवॉइस पे कर दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो अच्छा दिसंबर का इनवॉइस है तो ये टैक्स की ड्यू डेट क्या होगी, टैक्स की ड्यू डेट क्या होगी, नेक्स्ट मंथ की 20th। ये समझ में आया क्या? तो चलो लिखो यहां पे P13 प्रैक्टिस बुक में आ जाओ। P13 रेगुलर मैट एंड पेज नंबर, ठीक है, रेगुलर मैट का पेज नंबर लिखो, लीगल प्रोविजन, ओके। हाँ एक सवाल है सर, जीएसटी एडवांस पे लगा गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है, अर्ली पैसा मिल रहा है। और देखो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको पैसा मिला ना तो हमें भी अभी दे दो ना, अरे आया ना गवर्नमेंट को, नहीं तो फिर इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स लगता है, टीडीएस लगता है। ये क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अर्ली ले रही है। समझ में आया क्या? गवर्नमेंट को भी अर्ली पैसा चाहिए, तुमको एडवांस मिला तो। चलो लीगल प्रोविजन लिखो, एज पर सेक्शन 7(1)(a). चलो चार्ट इमेजिन करो, 7(1)(a) क्या था, जस्ट इमेजिन करो मेरे साथ, 7(1)(a) क्या था, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, सच एज पुरानी लिखना, गुड्स और सर्विसेस ऑल फॉर्म लिख दिया है, समझ में आया क्या, मेड और अग्रीड टू बी मेड, अग्रीड टू बी मेड पे अंडरलाइन, समझ में, उस पर हमें पेपर चेकर का ध्यान लाना है, अग्रीड टू बी मेड फॉर क्या, कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये पूरे दो लाइन में मुझे एक वर्ड पे डिस्कशन करना है, अग्रीड टू बी मेड। तो चलो यहां पे एज पर सेक्शन 7(1)(a) सप्लाई इंक्लूड्स, लिखते वक्त पूरा ध्यान वर्डिंग्स पे ग्रीप आनी चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे नहीं, इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स गुड्स और सर्विसेस विच आर मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस देयरफॉर, ये अग्रीड टू बी मेड पे अंडरलाइन, सेम पेन से अंडरलाइन चलता है बट यूज सेम पेन, अग्रीड टू बी मेड। अब आगे लिखो, देयरफॉर वी कैन से दैट जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड, वर्डिंग देखना केयरफुली, एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई, ये वर्ड समझा क्या? अच्छा सप्लाई क्या करने वाले हो, गुड्स या सर्विस, उसके अगेंस्ट में एडवांस है, समझ में आया क्या?
एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीएसटी पेबल होगा एडवांस पे, बट क्या, नो बट शर्ट, ओके बट क्या लिखो आ गया भाई, सेक्शन से तो ये पता चल रहा है कि एडवांस पे जीएसटी आएगा, लेकिन बट, वेरी गुड एज पर ये हुई ना बात, ओके बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स है ये बैच में, हाँ तो एज पर क्या नोटिफिकेशन नंबर एन बाय एन लिखा तो भी चलेगा 66/2017। अच्छा ये दोनों को बेनिफिट है या ओनली एसओजी को है? ओके वेरी गुड। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट, एड ऑन एडवांस पेमेंट इज सस्पेंडेड दैट इज इट इज पेएबल, कब पे करना पड़ेगा? ओनली ऑन द इनवॉइस बेसिस या एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। पेबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्या? इनवॉइस। चलो डिस्कशन एंड कंक्लूजन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, लिखो December 20XX, hence GST is payable, अब वर्डिंग देखना, within the due date of December। अच्छा due date of December 20XX क्या आएगा? वर्डिंग समझे क्या आपको? GST is payable within the due date of December, क्योंकि December में tax आएगा, तो within the due date of December, that is क्या बेटा? 20th Jan, अगले महीने की 20 तारीख, as follows, निकाल लो कितनी वैल्यू थी, 10,000 रुपये निकालेंगे या टोटल 20,000 का? ओके तो सी जी एस टी 20,000 इंटू 9% 1,800, और एस जी एस टी 20,000 इंटू 9% 1,800। कोई डाउट? क्लियर? एक सवाल है सर, आपकी नोट्स सीएमए मॉड्यूल से मैच नहीं करती, हम लॉ पढ़ रहे बेटा, और मैंने चैप्टर इधर उधर किए इसलिए किए, इवन हमारे सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल से भी चैप्टर मैच नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो पहले लूँगा हो सकता है वो कंसेप्ट उन्होंने बाद में लिया है, पर मैं आपको इतना एश्योरेंस दूंगा कि लॉ का सारा कंटेंट्स जो ज़रूरत है वो सब मेरे इसमें कवर्ड है, चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, चलो
क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ मेरे लिए बेस होता है चार्ट। अरे हाया ना, अब हमने नाइन के बाद सडनली क्या कनेक्ट किया, सेवन। नाइन के बाद कनेक्ट किया सेवन। चलो हाँ हाँ, नहीं टू द एक्सटेंट ऑफ एडवांस। तो एक मिनट, आपका सवाल दूसरे क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। ओके ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, इसमें आंसर मिल जाएगा आपका। मिस्टर गजना ऑफ राजस्थान सप्लाइड क्या बेटा, क्या सप्लाई किया, गुड्स या सर्विसेस? सर्विसेस। एंड इश्यू द इनवॉइस इन द मंथ ऑफ क्या, डिसंबर। 20,000 टू मिस्टर बिरजू ऑफ राजस्थान। मिस्टर गजानन हैज रिसीव्ड क्या एडवांस, कौन से मंथ में मिला, सितंबर में। रेट 9% है। अच्छा ये गुड्स है या सर्विस है? तो ये बताओ सर्विस के एडवांस पे जीएसटी आता है क्या? हाँ, सिर्फ बेनिफिट किसको मिला है, बेनिफिट किसको मिला है, सिर्फ गुड्स को। सर्विस के एडवांस पे आएगा तो बताओ यहां जीएसटी कैसे आएगा। आपको 10,000 का एडवांस कब मिला, सितंबर में। तो सितंबर में टोटल 20 का जीएसटी देना पड़ेगा या ओनली 10 का? और बचे हुए 10 का, बचे हुए 10 का कब, दिसंबर में। ये समझ में आया क्या? तो अब ऐसे केस में इसका आंसर, आंसर लिखते वक्त ओके, जो हमने लीगल प्रोविजन लास्ट क्वेश्चन में लिखी एक्स, वो पहले लिख लो। ओके पहला पैरा और दूसरा पैरा लिखो। नोटिफिकेशन 66 मत लिखना, कोशिश करो बिना देखें, नहीं तो देख के लिखो। ओके कोशिश करो बिना देखें, इतना लिख लो, इतना तो सेम है इसमें, इतना तो लिखो बिना देख के ट्राई करो। गलती होगी और क्या होगा, ये वैसे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रोस्पेक्टिव था, पहले 3 महीने का पे हुआ, प्रोस्पेक्टिव था। बिना देखे ट्राई करो, जहां अड़ जाते हो वहां देखो सिर्फ, बिना देखे ट्राई करो। कॉपी मत करना, बिना देखे ट्राई करना, तो ही आप में इम्प्रूवमेंट है, नहीं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, सिर्फ आप फिजिकली क्लास में हो। हो गया यहां तक सभी का, यहां तक हो गया सभी का, डन। जो स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है, दीपांशु थोड़े क्वेश्चन कम पूछो बेटा, अभी फिलहाल आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी, रुक जाओ थोड़ा, पेशेंस रखो। डन। अब नीचे लिखो, उसके नीचे लिखना है, आपने पहला तो लिख लिया होगा, नीचे लिखो नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 इज नॉट अप्लीकेबल टू, किसको अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल टू सप्लाई ऑफ क्या, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को अप्लीकेबल नहीं है। मतलब ही क्या एडवांस पे जीएसटी देना पड़ेगा, यस yes. आपको एडवांस पे यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। चलो नीचे लिखो डिस्कशन एंड कंक्लूजन।
उसमें वन इन गिवन केस, लिखने का तरीका देखो इन गिवन केस, क्योंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं। मिस्टर कौन था? मिस्टर गजानन था ना क्या? नहीं नहीं गजानन है वो, प्रिंटिंग एन टाइप नहीं हुआ। ओके मिस्टर गजानन, गजानन है वो, एन टाइप नहीं हुआ। मिस्टर गजानन हैज रिसीव्ड एडवांस ऑफ रुपीज 10,000 ऑफिस रुपीज क्या 10,000 इन द मंथ, कौन सा इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, हेंस जीएसटी इज पेबल ये वर्ड ऐड करना, टू द एक्सटेंट ऑफ एडवांस, ये इंपॉर्टेंट है। टू द एक्सटेंट ऑफ क्या? एडवांस विद इन ड्यू डेट ऑफ सेप्टेम्बर 20XX, दैट इज क्या? कब आएगी? 20th October, ये समझ रहा है ना ड्यू डेट आपको? 20th October एज फॉलोज, तो लिखो वैल्यू ऑफ एडवांस 10,000, 10,000 रुपये ही आएगा, CGST एट द रेट 9% और SGST एट द रेट 9%, 900 डन डन डन। चलो ये तो था पहला। अच्छा बैलेंस का, बैलेंस कितना रहा? 10,000, कौन से मंथ में आएगा? दिसंबर। GST ऑन रिमेनिंग वैल्यू दैट इज रुपीज 10,000 इज पेबल व्हेन, इज पेबल व्हेन इनवॉइस इज इश्यूड that is within due date of December 20XX, और वो क्या रहेगा? 20th Jan ब्रैकेट में as follows, तो रिमेनिंग वैल्यू 10,000 CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट क्या बेटा? 9%, 900 डन। क्लियरली समझ में आ गया? मेड और अग्रीड टू बी मेड विद नोटिफिकेशन नंबर, चलो नाउ लास्ट डिस्कशन आते हैं। ओके मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, एक मिनट जाओ
वो सप्लाई चार्ट पे जाओ, आ गए क्या? सप्लाई चार्ट पे आ गए। 7.1A में, 7.1A में पहला पार्ट था सच एज़, दूसरा पार्ट क्या था? मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। तो अगर कंसिडरेशन पे करोगे तो मतलब जीएसटी अगर लगाना है तो आपके ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन होना जरूरी है। ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन होना जरूरी है मतलब क्या? केस स्टडी वन। ओके, थोड़ा देखो, अगर आप सप्लायर हो, ध्यान से सुनना, अगर आपका ध्यान है तो आपको पहली स्टेटमेंट में समझ में आता है। ये दो बार तीसरी बार रिपीट करता हूं, जिनके ध्यान नहीं होते उनके लिए होता है, ठीक है? तो सप्लायर है और दूसरा क्या बेटा? रेसिपिएंट। जीएसटी तभी आएगा जब आपने कोई गुड्स का सप्लाई किया हो। एक मिनट, पहला ट्रांजेक्शन क्या? सप्लाई किसका होना चाहिए? गुड्स का, या सप्लाई किसका होना चाहिए? सर्विस का, जिसके अगेंस्ट में आपको कंसीडरेशन, जिसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन रहेगा तो ही जीएसटी आएगा, कंसीडरेशन नहीं होगा तो जीएसटी नहीं आएगा। समझ लो, मैं किसी को फ्री सर्विस दे रहा हूँ, किसी को फ्री गुड्स दे रहा हूँ, तो जीएसटी नहीं आएगा। लास्ट मंथ की बात है, चाकन में, पुणे में एक फैक्ट्री ओपन हुई और फैक्ट्री में कुछ कुछ गुड्स ऐसे थे कि वो बड़ा उसका, वो बंदे का जो फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरर है उसका बड़ा, ओके, बालाजी मंदिर जो है तो बालाजी पे बड़ा ट्रस्ट था, और वो कुछ भी एक्टिविटी स्टार्ट करता था तो कहाँ से? बालाजी को कुछ डोनेट करके। तो उसने फैक्ट्री चालू किया और फैक्ट्री का पहला कंसाइनमेंट उसने बालाजी को भेज दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे है ना। तो उसने मुझे पूछा कि क्या जीएसटी आएगा क्या? मैंने कहा नहीं। अरे सर, पर गुड्स का सप्लाई है। इवन दो गुड्स का सप्लाई है पर कंसिडरेशन नहीं है, नहीं आएगा जीएसटी। ये समझा है? नहीं समझा? या उसने अगर गरीबों को फ्री बांट दिया पहला कंसाइनमेंट, जीएसटी नहीं आएगा। ओके, क्लास में मैंने सर्विसेज फ्री दे दिया, जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन है जीएसटी का कि उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है। और कंसिडरेशन कमर्शियल टर्म्स में, ऐसा कंसिडरेशन नहीं कि मैं भगवान को दूंगा तो फ्यूचर में भगवान मुझे देगा, ये कंसिडरेशन नहीं चलेगा। इन कमर्शियल टर्म्स होना चाहिए। ये समझ में आया क्या? तो यहां पे कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो हम अब देखो कहाँ ध्यान होना चाहिए। हम ये नहीं देख रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, हम देख रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलना चाहिए, कंसिडरेशन। फोकस हमारा यहाँ पे, अगर ये होगा तो जीएसटी आएगा, अगर ये नहीं होगा तो जीएसटी नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है कनेक्ट हुए, अगर वन टाइप करो ये, अगर समझा होगा तो। ओके, इन सम सिंपल वर्ड, फ्री सप्लाई पे जीएसटी नहीं आता है। अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें कि भाई मुझे कंसिडरेशन मिला, मतलब क्या मिला? ओके, क्या मिला? तो देखो, कंसिडरेशन इंक्लूड्स पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और क्या अदरवाइज, मेरे गुड्स के अगेंस्ट में, मेरे सर्विस के अगेंस्ट में सामने वाला क्या दे रहा है मुझे? मनी या अदरवाइज। अदरवाइज मतलब क्या बेटा? काइंड में दे, काइंड में दिया तो भी कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है? तो मुझे मनी में पैसा मिलना चाहिए या अदरवाइज कुछ मिलना चाहिए तो कंसिडरेशन है, और कंसिडरेशन है तो मैंने जो गुड्स और सर्विस सप्लाई की उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ये समझ में आया क्या? इन कनेक्शन विथ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और क्या? सर्विसेस। अच्छा, दूसरा क्या कहते हैं? मोनेटरी वैल्यू ऑफ एक्शन, कंसिडरेशन ऑल्सो कवर, हाईलाइट करना, मोनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस रिलेटेड टू, इन रिस्पॉन्स टू और एज एन इंड्यूसमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और क्या? सर्विसेस, ठीक है? पेमेंट आगे नीचे लिखा है, मेड बाय रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन, और एक्सक्लूजन दिए है सब्सिडी एंड डिपॉजिट्स। ओके, एक्सक्लूजन दिए है सब्सिडी एंड डिपॉजिट्स। ओके, तो चलो यहां पे नेक्स्ट पेज पे, सॉरी, कंसिडरेशन के नीचे आपको ब्लैंक स्पेस दिख रही है, कंसिडरेशन के नीचे ब्लैंक स्पेस दिख रही है। तो चलो यहां पे चार्ट बनाते हैं कंसिडरेशन का। ओके, तो भाई साहब वर्ड से क्या समझा होगा आपको? कुछ नहीं, हाईलाइट के अलावा कुछ भी नहीं समझा होगा। ओके, या अंडरलाइन के अलावा कुछ भी नहीं समझा होगा। तो नाउ बनाओ मेरे साथ सेक्शन 231।
ओके okay, और वो है कंसिडरेशन, वह है कंसिडरेशन। आ जाओ कंसिडरेशन पे, एक मिनट। हम कंसिडरेशन मतलब क्या, मेरे सामने क्लाइंट बैठा हुआ है और वो पूछ रहा है कि भाई मैंने गुड्स तो दे दिया, आई रिपीट, मैंने गुड्स तो दे दिया। इमेजिन करना कि आप ऑफिस में बैठे हो, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, क्लाइंट तुम्हारे सामने बैठा हुआ है और वो आपको कुछ सवाल पूछ रहा है, और वो सवाल ये पूछ रहा है कि उसने गुड्स तो दे दिया, सर्विस तो दे दी, उसके अगेंस्ट में, आई रिपीट द वर्ड, उसके अगेंस्ट में उसको क्या मिलना चाहिए, तो जीएसटी आएगा। तो उसके अगेंस्ट में उसको मनी मिला तो जीएसटी आएगा, अरे है ना, या काइंड में मिला तो भी उसके सप्लाई पे जीएसटी आएगा। ओके okay. और दूसरा एक्ट या फॉरबियरेंस लेता हूं मैं यहां पे, तो देखो यहां पे इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स supply of goods or services includes, तुमने जो supply किया उससे related includes, make two parts, clause A and clause B, clause A and clause B, clause A, any payment, वर्डिंग्स देखना क्या लिखा हुआ है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड। अच्छा टू बी मेड क्यों लिखा होगा, को देखता हूं आपका कितना कहां तक इनसाइड जाता है। इन मनी, इन मनी और क्या बेटा, अदरवाइज, अदरवाइज में क्या आएगा, काइंड में। ओके, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड। अच्छा पेमेंट कौन कर रहा है, एक मिनट वर्डिंग्स को कनेक्ट करो, वर्डिंग्स को कनेक्ट, पेमेंट कौन कर रहा है, रिसिपिएंट, मतलब मैंने तो सप्लाई किया हुआ है, मैंने क्या सप्लाई किया है, गुड्स और सर्विसेज, उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलना चाहिए, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तो पेमेंट रिसिपिएंट कर रहा है, पेमेंट जो कर रहा है इन मनी कर रहा है या अदरवाइज। तो मुझे बताओ मेड और टू बी मेड का मतलब क्या होता है, इन फ्यूचर क्रेडिट सेल है, एक तो कैश सेल होगी, समझ में आया क्या, कैश सेल होगा तो अभी देगा, क्रेडिट सेल होगा तो फ्यूचर में देगा, समझ में आया क्या। तो मेड और अग्रीड टू बी, मेड इन मनी और अदरवाइज, और द मोनेटरी वैल्यू ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, ठीक है। कल मैंने जो वाइन शॉप वाला एग्जाम्पल दिया था वो बीच में मत लाना, वो अलग, वो दिमाग में भी मत लाना दीपांशु बेटा, वो दिमाग में भी मत लाना, ठीक है। अभी समझ लो ये एक्ट या फॉरबियरेंस क्या बोल रहे हैं, वो मतलब कौन से टर्म में, नहीं समझे, मतलब ये कि ये मैं कंसिडरेशन पढ़ा रहा हूं, कंसिडरेशन मतलब मैं गुड्स दे चुका हूं, अरे है ना, गुड्स क्या दे चुका हूं या सर्विस दे चुका हूं, उसके अगेंस्ट में, आई रिपीट, उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिल रहा है, मनी, अदरवाइज, या उसके अगेंस्ट में मुझे मिल रहा है क्या, एक्ट या फॉरबियरेंस, अरे है ना। तो ये एक्ट और फॉरबियरेंस दे रहा हूं या मिल रहा है, किसके अगेंस्ट में मिल रहा है, किसके अगेंस्ट में मिल रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, समझ में आया क्या। देखो आज का डिस्कशन लगेगा थोड़ा टेक्निकल है, गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन, कंसिडरेशन के देखें डेफिनेशन, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और इजी होते जाएगा, समझ में आया क्या। फर्स्ट टाइम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, फर्स्ट टाइम थोड़ा आपको थ्योरेटिकल लग सकता है, लेकिन केस स्टडी और प्रॉब्लम चालू हो गए कि आपको क्लैरिटी होते जाएगी, इज इट क्लियर। तो आपने जो गुड्स दिया है इन रिलेशन टू यूर सप्लाई,
यू रिसीव्ड एक्ट और यू रिसीव्ड क्या फॉरबियरेंस। अब एक केस स्टडी आपको मैं बताता हूं, क्या केस स्टडी, ये मेरे लाइफ की केस स्टडी जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। 2007 में मेरी शादी हुई। ओके, माय वाइफ इज इंटीरियर डेकोरेटर। तो जब शादी होके पुणे आई तो यहाँ पे उसने कहा कि विशाल मुझे जो है, विशु बोल दे हाँ, तो यहाँ पे मुझे प्रैक्टिस चालू करना है। ओके, और मैं भी क्लास में एंगेज था, मेरा भी इनिशियल स्टेज था, मैंने क्लास 2004 में चालू किया तो भी इनिशियल फेज ही था। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है तू प्रैक्टिस चालू कर सकती है। तो अब क्या हुआ कि पर कैसे चालू करें, क्योंकि मेरे लिए भी नया था पुना, उसके लिए भी नया था। कुछ दिन ऐसी बातचीत हुई, फिर 3-4 दिन बाद मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया जो मुंबई रहता था, और उसने कहा विशाल यार मैंने अभी पुना में एक फ्लैट लिया है, उसका इंटीरियर करवाना है। मैंने कहा अच्छा इंटीरियर करवाना है, तो यार कोई अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर देखना। तो मैंने कहा अच्छा इंटीरियर, अच्छा अरे तेरी भाभी इंटीरियर डेकोरेटर है। उसने कहा अच्छा ओके, फिर तो क्या बात है, फिर और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, उससे ही करवा लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ओके, पर उसने कहा देख यार वो अपनी फ्रेंडशिप अलग, प्रोफेशनल वो मैं फीस लेना पड़ेगा भाभी को। मैंने हाँ लेना पड़ेगा ना, क्यों प्रॉब्लम। तो जहाँ तक है फीस तो लेना पड़ेगा। फिर मैं मेरे वाइफ को बताया कि भाई मेरा एक फ्रेंड है 3 BHK का फ्लैट लिया है पुणे में उसने, ओके, और उसको इंटीरियर करवाना है। तो मेरी वाइफ भी खुश हो गई कि चलो काम तो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे यार उसका इंटीरियर का डिज़ाइन फाइनल हुआ, उसने अप्रूव किया और उसने कहा कि देख यार विशाल मैं बॉम्बे में सुबह से लेकर शाम तक जॉब कर रहा हूँ, मेरे को बार बार पुणे आना तो पॉसिबल नहीं है, तो एक काम कर कि कारपेंटर टीम भी अरेंज तुम ही करोगे और गुड्स की परचेसिंग भी आप भी करोगे, मुझे टोटल पैसा बता देना कितना देना है। अरे आया ना, तो मैंने कहा तू टेंशन मत ले हो जाएगा। कितने दिन में चाहिए, तो उसने कहा इम्पॉर्टेंट है कि मैं 3 महीने बाद शिफ्ट हो रहा हूँ, यहाँ मैंने जॉब शिफ्ट किया है तो 3 मंथ्स बाद मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मुझे जो है यहाँ पे 3 मंथ्स में कम्प्लीट करके चाहिए। मैंने कहा यार बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है, पर ठीक है हमने वो चैलेंज उठाया। सर इसमें क्या हुआ, कोई GST का, रुक जाना जी स्टोरी आगे आएगी अब। ओके, फिर क्या हुआ कि जब इंटीरियर करना चालू किया और 3 महीने का लिमिटेड टाइम था, तब लिमिटेड टाइम में दिन रात कारपेंटर वर्क कर रहे हैं। जब इंटीरियर चालू हुआ 3-4 दिन बाद, मेरी वाइफ घर पे बैठ रही थी, थोड़ी सैड थी, मैं क्लास से गया, मैंने कहा क्या हुआ जानू। भाई मैं यहाँ मैं क्लास से गया और मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि जो हमने अभी काम चालू किया था तो नेबर्स वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया है क्योंकि दिन रात काम चल रहा है, आवाज़ आ रही है। अरे है ना, तो जो नेबर्स में है उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं आप सुबह 9 बजे के पहले काम चालू नहीं कर सकते, दोपहर को हमारा सोने का टाइम रहता है 2 से 4। ठीक है, तो ऐसे केस में 2 to 4 आप काम नहीं करोगे और इवनिंग में 7 बजे के बाद बंद कर दोगे, ये कैसे होगा कंप्लीट। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ओके, भाई तू टेंशन मत ले मैं हूँ ना। तो मैं हम अब उसने सोसाइटी में ऑब्जेक्शन उठाया था और सोसाइटी में ऑब्जेक्शन उठाया था कि अब वो मेरे फ्रेंड पे फोकस मत करना, अब एक्चुअल ट्रांजेक्शन किस पे आया, नेबर्स के साथ। अरे आया ना, भाई मेरे फ्रेंड तो मनी में पैसा दे गई फीस, उसकी बात तो है ही नहीं। ओके, अब वो नेबर्स पे फोकस करना। हम गए उसके घर पे, मैंने कहा मायसेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट विशाल भट्टर एंड शी इज़ इंटीरियर डेकोरेटर। तो उन्होंने चलो वेलकम किया, हमको बुलाया घर के अंदर बैठाया। हमने कहा देखो बाजू में हमारा एक काम चालू है, हमने सुना है कि आपने सोसाइटी में ऑब्जेक्शन लिया हुआ है और काम रोक के रखा हुआ है। उन्होंने कहा हाँ भाई ओके, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स बताए ओके कि भाई 9 बजे के पहले चालू हो जाता है और दोपहर को भी यहाँ पे हमारा सोने का टाइम होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। हमने बहुत समझाया लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये लिमिटेड टाइम में आपको वर्क करना पड़ेगा। मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया यार वो ऐसा कर रहा है, उसने कहा तू देख क्या करना है। अरे है ना, तू देख क्या करना है। फिर मैंने उनको थोड़ी देर बाद एक ऑफ़र दिया, मैंने कहा आपका भी ये हॉल का इंटीरियर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा नहीं।
तो चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूं, अगर आप ने जो ऑब्जेक्शन उठाया सोसाइटी में वो आप फॉरबियरेंस मतलब छोड़ दोगे, विड्रॉ कर लोगे, तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। उन्होंने कहा नहीं समझा। मैंने कहा यहाँ पे कि ये हॉल का जो इंटीरियर है वो हम फ्री में करके देंगे। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, फ्री में करके देंगे आपको, सिर्फ आपको मटेरियल का वो भी कॉस्ट बेसिस पे पैसा देना पड़ेगा, कोई इंटीरियर का पैसा नहीं लगेगा, कोई कारपेंटर का पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ मटेरियल का देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मतलब सिर्फ मटेरियल ला के दो आप सब बना के दोगे? मतलब हाँ डन। तो मेरी वाइफ आपको डिजाइनिंग प्रोवाइड करेगी, मेरी वाइफ पूरा कारपेंटर प्रोवाइड करेगी, अरे है ना, यानी मेरा वाइफ ओके यहाँ पे आपको क्या देगी, सर्विस देगी, अरे समझ में आया क्या, तो मेरी वाइफ सर्विस देगी, उसके अगेंस्ट में पैसा नहीं चाहिए, उसके अगेंस्ट में पैसा नहीं चाहिए, उसके अगेंस्ट में अदरवाइज भी कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम करना पड़ेगा, हमने जो सर्विस दी अरे है ना, उसके अगेंस्ट में फॉरबियरेंस कर दो यार। क्या फॉरबियरेंस कर दो? कुछ चीज छोड़ दो यार। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा डन। अरे आया ना, तो अब मुझे ये बताओ, एक मिनट, ट्रांजेक्शन फ्रेंड का नहीं, उसमें तो मनी मिल रहा था, अरे आया ना, ट्रांजेक्शन किसका, माय वाइफ इज प्रोवाइडिंग इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस प्लस कारपेंटरी जो प्रोवाइड किया जा रहा है, यस और ना? अगेंस्ट दैट सर्विस प्रोवाइड हो चुकी है, अगेंस्ट दैट मनी भी नहीं मिल रहा है, अदरवाइज भी नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फॉरबियरेंस। तो क्या ये जीएसटी लॉ के हिसाब से फ्री माना जाएगा या फॉर कंसिडरेशन माना जाएगा? ये जीएसटी लॉ के हिसाब से फॉर कंसिडरेशन माना जाएगा। तुमने दिया होगा फ्री, पर तुमको कुछ तो मिला है, क्या मिला है, फॉरबियरेंस। क्या इस पर भी जीएसटी आएगा? हाँ। और मैं तो जीएसटी पढ़ा ही रहा था, तो मतलब तब तो सर्विस टैक्स पढ़ा रहा था, अरे है ना, मैंने दिया वॉट एवर द वैल्यू पर लगेगा। अब बिल्कुल आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, सर ये डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा, हमने नहीं दिया तो क्या होगा? अरे है ना बेटा, देखो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन तो डिपार्टमेंट भी ध्यान नहीं देता है, जब जीएसटी पढ़ोगे तो थोड़ा ब्रॉड सेंस में पढ़ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में अगर ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे अब मैं अब रियल केस बताता हूँ, मेरा एक क्लाइंट था बिल्डर, बिल्डर ने ओके स्लम रिहैबिलिटेशन, आपको पता है स्लम रिहैबिलिटेशन, स्लम था ओके, उनको ये कहा कि आप ये लैंड के राइट छोड़ दो, आई रिपीट, आपके ये लैंड के राइट छोड़ दो, हम आपको 1 BHK का फ्लैट कंस्ट्रक्शन सर्विस करके देंगे। अरे ये समझा नहीं ना, आप सबको 1 BHK का फ्लैट बना के देंगे और 1 BHK का फ्लैट हम कंस्ट्रक्शन करके देंगे, आई रिपीट, क्या तो कंस्ट्रक्शन सर्विस है उसमें, अरे है ना, तो बस आपको क्या करना है, हमें पैसा मनी में नहीं चाहिए, हमें अदरवाइज भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपने राइट छोड़ दो, आपका सिटी एरिया में बड़ा एरिया है, ये समझ में आया क्या? तो ये बताओ उन्होंने फ्री दिया कि कंसिडरेशन है? मैंने बहुत बिल्डर के असेसमेंट किए स्लम रिहैबिलिटेशन, जीएसटी लगाना पड़ता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे लगेगा वो आगे कॉन्सेप्ट समझ लो, कंसिडरेशन इज देयर। तो बहुत सी जगह ऐसा देखना केयरफुली, ओके जब भी मैं जीएसटी ऑडिट करता हूं तो मैं फ्री को जल्दी फ्री नहीं मानता हूं, मैं 10 सवाल पूछता हूं, फ्री है? क्योंकि फ्री पे जीएसटी नहीं आता है, तो मैं 10 बार पूछता हूं, रियली फ्री है, मनी नहीं मिला? नहीं मिला। कोई अदरवाइज कुछ भी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा कोई एक्ट करके मिला क्या? नहीं। कोई फॉरबियरेंस? नहीं, तो फ्री मानता हूं। अरे है ना, अगर ये 4 चीजें नहीं है तो फ्री है, और फ्री है तो फिर जीएसटी नहीं है। आई होप आप समझोगे। ओके यस, जो भी सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड स्टूडेंट है, समझे या नहीं समझे बताओ, समझोगे तो फटाफट 1 टाइप करो, वेरी गुड। ओके तो यहां पे जहां तक है, थोड़ा इस तरह से लो कि आपने ये जो किया 4 एक्टिविटी, एक स्टूडेंट 5 टाइप करता है, नालायक 1 ही बोला। ओके तो यहां लिखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू
और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ। अच्छा, ये जो आपको मिल रहा है, मनी मिल रहा है, अदरवाइज मिल रहा है, एक्ट मिल रहा है, फॉरबियरेंस मिल रहा है, ये किसके अगेंस्ट में मिल रहा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट मिल रहा है? आपने गुड्स दिए हैं, अरे है ना, वो जीएसटी में आएगी कि नहीं आएगी उसकी बात चल रही है। समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और क्या सर्विसेस। थोड़ा मैं और लिवरेज करता हूं इस कॉन्सेप्ट को और इसमें बताता हूं। इंडिया में कोई भी अगर गुड्स के सप्लाई करेगा, इंडिया में कोई भी अगर सर्विस की सप्लाई करेगा, तो इन गुड्स और सर्विस के सप्लाई पे जीएसटी तभी आएगा जब उसमें कंसिडरेशन प्रेजेंट रहेगा। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सप्लाई, इन रिस्पॉन्स टू दिस सप्लाई, ओके, आपको आइदर मनी मिलना चाहिए या अदरवाइज या एक्ट या फॉरबियरेंस। समझ में आ रहा है? तो फिर वो कंसिडरेशन माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, चलो यहां पे नाउ ये दोनों ऐसे एरो बताओ और यहां लिखो वेदर, वेदर बाय रिसिपियंट और अदर पर्सन वेदर, यहां पे भी सेम लिखो बाय रिसिपियंट और अदर पर्सन, वेदर बाय रिसिपियंट और अदर पर्सन, ठीक है। मतलब ये जो मिल रहा है आपको मनी अदरवाइज या एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस, वो रिसिपियंट से या उसके बजाय किसी और से, बस आपको मिल रहा है। सर एग्जांपल मुझे बताओ, आप पहली दिन जब यहां आए अपने पेरेंट के साथ आए और हमें वी स्मार्ट क्या देने वाला है आपको? सर्विस। उसके अगेंस्ट में आप क्या देने वाले? मनी। तो मनी आप नहीं दे रहे हो, आपके फादर दे रहे हो, तो क्या आपके फादर देने से जीएसटी इंपैक्ट चेंज हो जाएगा? नहीं, वो आप दे या आपके फादर दे बाय यू और एनी अदर पर्सन, ओके, या आपके बीआपी, आपके कोई भी रिलेटिव दे, समझ में आएगा, जीएसटी आएगा, क्योंकि बस कंसीडरेशन है ना, दैट्स ऑल। अब देखो एक प्रैक्टिकल केस स्टडी, एक सिंपल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है और एक प्रैक्टिकल केस स्टडी, बड़ी मजेदार केस स्टडी है। ओके, ये भी मेरा क्लाइंट था, बताता हूं। ये मारुति का ऑथराइज सर्विस स्टेशन था, मैंने क्या कहा? मारुति का ऑथराइज सर्विस स्टेशन, ठीक है। फिर तो देखो क्वेश्चन आंसर तो देखेंगे, पर केस स्टडी से कॉन्सेप्ट समझो। क्या हुआ था, ये जो मारुति का डीलर है, समझ लो ये डीलर कार बेच रहा है कस्टमर को, कार बेच रहा है क्या बेटा? कस्टमर को। जब वो कार या बाइक कोई भी बेचता है तो 1 ईयर की वारंटी या सर्विसिंग होती है। अरे आया ना, 1 ईयर की फ्री सर्विसिंग आपको दी जाती है, ये तो आपको पता ही है। अब ये जो है ये अपनी कार लेके चले गया, कार या बाइक सर्विस स्टेशन पे लेके गया। अगर आप जब ड्यूरिंग 1 ईयर वो जो सर्विस कूपन है आपके पास, समझ में आया क्या, वो इसने वो सर्विस कूपन दिया और सर्विस कूपन देने के बाद अपने कार या बाइक पे सर्विस लिया, मुझे बताओ कस्टमर को चार्ज होगा या कस्टमर को फ्री दिया जाएगा या? अरे बोलो ना, सर्विस स्टेशन चार्ज करेगा या फ्री दिया जाएगा? ये कूपन दे देगा और वो फ्री सर्विस दे देगा। मुझे बताओ मारुति का ऑथराइज सर्विस स्टेशन वो कूपन का क्या करेगा? आपने कूपन दिया, वो ऑथराइज सर्विस स्टेशन है, वो क्या करेगा? वो जो है यहां पे जो मारुति कंपनी है, आई रिपीट, क्या कहा? मारुति मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है, उसको ये कूपन भेजेगा कि भाई मैंने सर्विस दे दी। अरे यस और नो? और मारुति कंपनी से उसको उसका पैसा
मिल जाए, उसका पेमेंट रिमबर्स हो जाता है, यस और नो? तो अब मेरा ये पहले ट्रांजेक्शन समझे कि नहीं समझे आप? क्योंकि बहुत सारे ऑथराइज सर्विस स्टेशन है, ओके, ऐसे ऑथराइज सर्विस स्टेशन बहुत जगह है, विलेज में है, तो आप कहीं पे भी लेके जाओ। आपने पुणे में भी खरीदा होगा तो भी आप नागपुर में सर्विस करवा सकते हो, अरे आया ना, कहीं पे भी सर्विसिंग करवा सकते हो। तो आपको ले जाना है, कूपन दे देना है, वो कूपन में आपको फ्री दे देगा, आपको फ्री दे देगा। तो ये जो सर्विस देगा आपको, वो सर्विस उसने क्या दी बेटा आपको? फ्री दी। तो मुझे बताओ ये रियली फ्री है या इसका कुछ पैसा मिला है? हाँ, किससे मिला है? तो लॉ क्या कहता है, पैसा इससे मिले या किसी और से मिले? क्या ये सर्विस का कंसिडरेशन प्रेजेंट है? हाँ है। क्या जीएसटी लगेगा? हाँ लगेगा। तो मैं वो जब ऑथराइज सर्विस स्टेशन वाला मेरे पास आया तो उसने मेरे को बोला कि भाई मैं तो कस्टमर को फ्री देता हूं। मैंने बोला तू कस्टमर को फ्री देगा थोड़ी है, तुझे पैसा किससे मिला है? उसका कंपनी से मिला है, कंसिडरेशन इज देयर और उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। ये समझ में आया? अब आपका एक सवाल होगा कि सर इसमें तो बर्डन पास ऑन नहीं होता है। एक्चुअली ये पैसा भी, जीएसटी का पैसा भी वो कंपनी से ले लेते हैं। जीएसटी का पैसा भी, बर्डन किसके ऊपर? कंपनी। जीएसटी का पैसा भी किससे ले लेते हैं? कंपनी से। तो इन शॉर्ट इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ऐसे केस में यहां पे ये मीनिंग है, वेदर बाय रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन। ओके, तो चलिए दोस्तों यहां पे एक काम करते हैं, ये डेफिनेशन जो हमने कुछ वर्ड्स पे देखी थी इसको और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप यहां तक आपको समझा होगा, यस और नो? तो चलो आज रुकते हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी धीरे धीरे केस स्टडी और एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ने देना, ओके? और जब हम फाइनल कर लेंगे और पूरा चार्ट रेडी हो जाएगा, कौन सा चार्ट रेडी हो जाएगा? सेक्शन 7, तो आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे आगे देखो होता है क्या। सो मिलते हैं ऑन मंडे शार्प एट 10:30। नेक्स्ट सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बंधनों को तोड़ के आपको आना है। सो बाय बोलो बच्चों। ओके, पता ही नहीं चला कब खत्म हुआ। अच्छा है बेटा, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड्स बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो गुड्स में आएगा बेटा। थोड़ा रुक जाओ, मैं आगे कॉल करता हूं, थोड़ा रुक जाओ। एक रुपए अभी कंसिडरेशन होगा तो कंसिडरेशन ट्रीट करेंगे बेटा। यस आयन, कंसिडरेशन ट्रीट होगा। फॉरेन बैंक से बैंकिंग सर्विस ली तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहा जाता है, जिसका डिस्कशन कल होगा, इस पे फिर जीएसटी आएगा। कल बीबी सर का क्लास है, ऑनलाइन है, टाइमिंग है मॉर्निंग 8 to 2 PM, 8 to 2 PM। चैप्टर होगा शायद डिडक्शन, चैप्टर होगा शायद डिडक्शन। हाँ, यहां पे भी रहेगा, क्लास में आना हो तो क्लास में रहेगा, शायद यूट्यूब पे भी है, सर ने दिया है ना यूट्यूब पे। नहीं, क्लास में तो रहेगा, मैं सर को आज बोल देता हूं कि अपडेट कर दो कि किस पे। क्या गलत हो रहा है बेटा? मंडे संडे को क्लास है, हाँ। एक सवाल है, फॉरबियरेंस की वैल्यू कैसे फिक्स करेंगे? तो इसके लिए रूल आते हैं आगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई के, जिसमें उन्होंने मेथड्स दी है कि कैसे वैल्यू फिक्स करेंगे। सर लास्ट में मजा आ गया जीएसटी में समझने में, थैंक यू। थैंक यू बेटा। सर एसेसिनेशन करवा के लिए, मतलब दीपांशु तुम्हारा दिमाग किधर भी चलता है यार। ओके, हाँ, एक दीपांशु ने सवाल पूछा कि सर मैंने गुड्स दिया या सर्विस दी, उसके अगेंस्ट में किसी को गोली मारने को बोल दिया, तो इट्स एक्ट,
वो भी कंसिडरेशन है। ओके इलीगल है पर कंसिडरेशन है। कल हम रखेंगे आयन, कल हम रखेंगे। चल डन। एक और ये 320109 के ऑर्डर का क्या हुआ, क्या स्टेटस है राजेश लविचा? मला ते अपडेट कर, मन त्यांना कॉल कर 320109। यस बेटा, नथिंग टू डू विथ लीगल इलीगल, तुमको मिला हमको भी चाहिए। हाँ नहीं, क्योंकि तेरे बिजनेस का जीएसटीएन पे सेल नहीं है और दूसरा तेरे बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, तू अपने पर्सनल एजुकेशन, तो वो बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, पर रियल क्या है? रियल क्या है? रियल बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, पर अगर तुम करते हो और फ्यूचर में डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ नहीं, नहीं सिर्फ लिखना है कि लायबल, बस सिर्फ लिखना लायबल नहीं था सर। चैरिटी शो करके अंदर से स्टॉक ट्रांसफर कर दिए ब्रांच को? नहीं बेटा, मतलब छोटे लेवल पे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती है ये चीजें बहुत रिकॉर्ड में आती है, और रिकॉर्ड में आती है तो ध्यान में भी आती है। छोटे लेवल पे छोटा दुकानदार तो कुछ भी करता है, जैसे विलेज, विलेज के कितने दुकानदार है कि जीएसटी बेचते ही नहीं है इनवॉइस में, गवर्नमेंट उनके तरफ ध्यान भी नहीं देती। गवर्नमेंट के लिए बड़े क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, बड़े क्लाइंट मतलब बड़े टैक्स पे। सर बैकलॉग हो रहे हैं, प्लीज करवा दो। मैं क्या करवा दूं बेटा बैकलॉग में? चलो बंदा, बंदा।